देखो मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम जो रिएक्शन होता है आपका किसके पे इसका कार्बोकैटायन। तो आपने देखा होगा कि थोड़ा याद करो कि जब हम लोग डिहाइड्रेशन अल्कोहल टोल्कीन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट क्या होता है माइनर होता है, कुछ प्रोडक्ट क्या होता है मेजर होता है। ये होंगे आपने। फिर आपने जब एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया होगा तो वहां पे जब HX के एडिशन किए होंगे, जब वाटर के एडिशन किए होंगे तो कुछ प्रोडक्ट क्या होता माइनर था, कुछ प्रोडक्ट क्या होता मेजर था। कहीं पर आपने देखा होगा रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा, देखा होगा कहीं पर आपने मेथाइल शिफ्ट देखा होगा, कहीं पर आप हाइड्राइड शिफ्ट देखे होंगे। तो ये सब जो यूनिक फीचर होता है, यूनिक फीचर होता है कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल जो होता है उसमें भी रेजमेंट होता है, कार्बनाइन जो होता है उसमें भी रेजमेंट होता है, लेकिन एक भी आप क्वेश्चन फ्री रेडिकल के रेजमेंट पे, कार्बोकेटायन के रेजमेंट पे आपके सिलेबस में नहीं है, ना जेई मेन में पूछता है ना जेई एडवांस में पूछता है। जो भी क्वेश्चन रेजमेंट पे बेसिस पे वो किसका है, कार्बोकेटायन का, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो आपका है बेस, मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म आपका वो बेस्ड ऑन द कार्बोकेटायन। कुछ रिएक्शन है कार्बनाइन पे जहाँ पे रेजमेंट का कोई चांस ही नहीं था, जैसे आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे कार्बनाइन बनता है लेकिन रेजमेंट का चांस ही नहीं, वहां पे रेजोनेंस होता है। कर लेंगे तो बहुत सेलेक्टिव रिएक्शन है जहाँ पे कार्बनाइन पढ़ना। फ्री रेडिकल के लिए एक ही क्वेश्चन पढ़ना है किसका हेलोजनेशन ऑफ किसका एल्केन। एल्केन पे जब हेलोजनेशन करते थे कौन सा फॉलो करते वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जब एल्कीन पे एलैलिक ब्रोमिनेशन होता था, एलैलिक ब्रोमिनेशन करते किससे तो आप पढ़ाएंगे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से करते, तो वो भी क्या होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट जाओगे तो वहां पे रिएजमेंट का चांस है, लेकिन अगर मेजर माइनर पूछेगा तो रिएजमेंट बिना के वो आप निकल के चले जाओगे। कर लेंगे तो लिखो यहाँ पे रिएजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। A less stable carbocation can rearrange into more stable carbocation. आई बात समझ में। लेस स्टेबल होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल में। आप कैसे चेक करना है आपको तो देखो, जैसे क्या होगा CH3 लिए और ये CH3 ले लिए और ये हाइड्रोजन है, ये क्या होगा CH2। मेरे को पता है कि अभी जो कार्बोकैटायन है वो क्या 1 डिग्री। अभी जो कार्बोकैटायन है आप देखो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन लिए वो क्या है, देखो ये कार्बोकैटायन आपका और ये कार्बोकैटायन कौन सा कार्बन पे, जो कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहे थे क्या होगा 1 डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन आपका 1 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा आपको 1, बस ये अल्फा कार्बन होता है उसी से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको क्या बोलते हो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा आपको 1, मतलब कि यहाँ पे अगर ये कार्बोकैटायन, मेरे को पता है कि अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ नहीं यहाँ बनाता तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता, रीजन क्या होता नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया इंक्रीज कर जाता। इसीलिए क्या होगा कि इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां शिफ्ट होगा। अब देखो अब कार्बोकैटायन को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट करना, ये बॉन्ड को होमोलाइटिक फ्यूजन करना है कि हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई ग्रुप जो माइग्रेट करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही आके वहां से बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है वैकेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि कोई फील्ड आएगा तभी आपका क्या होगा बॉन्डिंग। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है कि मेथाइल अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा। अगर आप मेथाइल शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री मिलेगा, अगर मेथाइल शिफ्ट करोगे तो कार्बोकेटन क्या मिलेगा आपको 2 डिग्री, अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 डिग्री। तो जब देखना शिफ्टिंग का चांस होगा हाइड्रोजन भी होगा एल्काइल भी होगा तो प्रेफर करना हाइड्रोजन का, क्योंकि आपको डिग्री नंबर ऑफ कार्बन क्या करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है इंक्रीज करना है इसलिए। हाँ अगर मान लो कि हाइड्रोजन है ही नहीं मेथाइल ही है तो फिर मेथाइल शिफ्ट करेंगे, अगर हाइड्रोजन है तो पहले प्रेफर करने किस करिए माइग्रेशन का हाइड्रोजन। अब माइग्रेशन होता 1 2, 1 2 का मतलब होता 1 होता माइग्रेशन ओरिजिन जहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट होता है, और 2 होता माइग्रेशन टर्मिनस जहाँ पे माइग्रेशन एंड होता है,
और ये शिफ्टिंग होता है हमेशा 1 2, मतलब कि एक पोजीशन पे कार्बोकैटायन है तो दूसरे से वहां पे रिएजेंट को कोई ग्रुप आएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक शिफ्टिंग दिखाए फिर दूसरा शिफ्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि दो शिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दो शिफ्टिंग के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से उस आपको कंपनसेट करने वाला नहीं है वो। इसलिए बहुत सारा बुक्स में देखोगे एलन तो सबसे आगे है इसमें कि 3 4 शिफ्टिंग कर कर देता है, पता नहीं कहाँ रिसर्च करके रखा। हम लोग कहीं भी बुक पढ़े आज तक नहीं देखे दो रिएजमेंट्स, रिंग एक्सपेंशन के बाद एक रिएजमेंट अलाउड होता है, लेकिन ओपन चेन में कभी भी एक दो दो रिएजमेंट होता ही नहीं, कभी एक ही रिएजमेंट होता है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेथाइल ले लेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये जाएगा एच माइनस के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको बताइए। और देखो और एक पोजीशन क्या देखते हैं, देखो इस पे आना है, इसको यहां से स्टार्ट करना है और 2 पे इंड करना है हमेशा। 1 2 देने का पर्पस हुआ कि एक एटम, आप दोनों एटम आपका बॉन्डेड होना चाहिए, एक एटम से दूसरा एटम पे कोई ग्रुप या एटम क्या होगा माइग्रेट करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं 1 और 2। 1 3 नहीं बोला जाता, 1 4 नहीं बोला जाता, हमेशा माइग्रेशन जब भी होता है कहां से होता है, 1 2 कर लेंगे, तो ये क्या होगा माइग्रेशन ओरिजिन, और ये क्या होगा माइग्रेशन टर्मिनस कर लेंगे। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रुप, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 1 2 मेथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो देखो ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या होगा CH3, ये क्या होगा CH3। आप बताइए नंबर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा इसमें, 9। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 1। आप बताइए आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा लेस स्टेबल, ये क्या आपका 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या आपका मोर स्टेबल। तो रिएजमेंट आपका, रिएजमेंट का कंट्रोलिंग फैक्टर कौन होता है, स्टेबिलिटी। पिनाकोल, पिनाकोल रिएजमेंट आपको बताएंगे, उसका भी इंडायरेक्टली वही होता है कंट्रोलिंग फैक्टर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कर लेंगे। देखो फिर CH3 है, ये CH3 ले लिए, और ये क्या होगा CH3, और ये CH2+ है, बताइए क्या मैग्नेट करेगा, या तो मेथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर आपने देखो ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2, 1 से 2 पे कोई ग्रुप जाएगा, अब 1 से 2 ग्रुप कौन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो आप किसको लेके जाएंगे, मेथाइल को लेके जाएंगे, तो इसको बोलेंगे 1 2 मेथाइल शिफ्ट, क्या बोलेंगे इसको 1 2 मेथाइल शिफ्ट, तो देखो क्या हो जाएगा। CH3C+, CH3 हो गया, ये क्या होगा CH2, और ये क्या होगा CH3, ये जो ग्रुप जो आपने माइग्रेट करवाया ये ग्रुप आपका ये है। आई बात समझ में? आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, कहाँ पे एंड कर दिया आपने, 2 पे, तो कार्बोकेटन कहाँ पे आना चाहिए, 1 पे, क्योंकि पहले कहाँ था 2 पे। अब बताइए 2 पे कौन था, 1 डिग्री था वो, अल्फा हाइड्रोजन 0, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, आप क्या हो गया आपका 3 डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन बताइए 8, तो क्या हो जाएगा मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे यहाँ पे OH लिखते हैं हम लोग, और जब एच एक्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एच एक्स आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोकेटन। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 2 कार्बोकेटन बना, इसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा, इसका हाफ लाइफ क्या होगा लेस होगा, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका डिमांड क्या होगा कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज्यादा, ये लेस स्टेबल है तो डिमांड क्या होगा हाई होगा, लेस स्टेबल होता है तो इसका मतलब मोर इनर्जेटिक, तो डिमांड ज्यादा होगा, और लेस स्टेबल इसका मतलब मोर स्टेबल इसका मतलब लेस इनर्जेटिक, तो डिमांड क्या होगा लेस, जहां पे जिस पाथ में डिमांड लेस होता है ना वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और जिस पाथ में डिमांड ज्यादा होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है स्लो होता है। तो कार्बोकेटन अगर 2 बन रहा है ना
तो जो मोर स्टेबल है उस पाथ का डिमांड क्या होगा, लो है। और जिधर लेस स्टेबल है उस पाथ का डिमांड क्या है, हाई है। जिधर लो डिमांड होगा उधर ऑब्वियसली आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और जिधर हाई डिमांड होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी किसके किसका आप कंट्रोल कर रहे हैं, कार्बोकैटायन का, मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर प्रोडक्ट आप बोल लो, इसका मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोल लो, मतलब किसके तरफ जा रहे हो आप, एक्टिवेशन की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल कर लोगे। फिर देखो इसमें बताइए क्या शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा क्या शिफ्ट होगा बताइए, वन टू एडेड शिफ्ट। फिर देखो बताइए क्या शिफ्ट होगा खुद से, पास में क्या होगा, ताले के कौन सा कार्बोकैटायन था, 2 डिग्री 1 डिग्री, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, और हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, वो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, करो देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या एडवांटेज मिलेगा, कुछ तो एडवांटेज मिलेगा नहीं, तब किसको शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन को। क्या बोलेंगे, वन टू हाइड्रेट शिफ्ट, क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कर लेंगे इधर क्या था, देखो ये रेजोनेटिंग ग्रुप है, क्या बना था, ऑक्सोनियम आयन लॉन पेयर का कंजुगेशन होगा यहाँ पे। तो मैंने बताया था रेजोनेंस स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा देते हैं हम लोग। आप देखो यहां से अगर मेथाइल शिफ्ट करेंगे तो रेजोनेंस का एडवांटेज मिलेगा, नो। इधर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो रेजोनेंस का एडवांटेज मिलेगा, यस। आप हमेशा देखना जब दो चांस होगा, दोनों तरफ आप शिफ्ट करोगे, वन साइड यू आर गेटिंग द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, अदर साइड यू आर गेटिंग द स्टेबिलिटी थ्रू द हाइपर कंजुगेशन, द प्रायोरिटी गोज टू द रेजोनेंस, प्रायोरिटी गोज टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग ग्रुप की तरफ हमेशा शिफ्टिंग होता है। अगर ऑलरेडी कार्बोकैटायन रेजोनेटिंग पोजिशन पे होगा तो आप आए बाय लेफ्ट राइट, आप कहीं पे 2 डिग्री बनाओ 3 डिग्री बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेटिंग अगर स्टेबिलिटी है तो जहां वहीं पे रहेगा, वो इधर उधर शिफ्ट नहीं करेगा। कर लेंगे, लिखो ये कौन सा ग्रुप है आपका, रेजोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि मेथाइल शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो बताइए आप यहां से शिफ्ट करोगे, मेथाइल लेते तो वो अलाउड होगा, नो। रेजोनेटिंग पोजीशन देंगे तो रेजोनेटिंग पोजीशन में जैसे आप हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट किए, देखो क्या हो जाएगा, ये सी एच थ्री
ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या होगा CH2, ये क्या होगा CH3, CH3, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखना यहाँ पे ME3 लिख सकते हो। आप बताइए यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं। प्रीवियस जो था विदाउट रिएजमेंट ही एडवांटेज मिल रहा था आपको, नो आफ्टर रिएजमेंट ही एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए क्या करवाएंगे रेजोनेंस करवाएंगे। आप रेजोनेंस करवाएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, CH3 ये मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। रीजन क्या होता, कंप्लीट ऑक्टेट बताए थे ना ऑक्सोन एमाइन सब क्या होता, मोर स्टेबल। तो रीजन क्या था, कंप्लीट ऑक्टेट। ये दोनों तो CH3 है, दोनों में किसको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे, इसको देंगे। रीजन क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए जब कार्बोकेटाइन देखो इस टाइप का कार्बोकेटाइन होता था, फर्दर रिएक्शन इसके थ्रू दिखाते क्योंकि ज्यादा डोमिनेंस इसका होगा, कर लेंगे। यही तो होता पिनाकोल, पिनाकोल रिएजमेंट, उसके बाद क्या करते हो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हो, तो क्या बनता था, कीटो डेरिवेटिव आता है कि नहीं, कर लेंगे। अब भाई ऐसे करो रुको, बताइए क्या रिएजमेंट होगा, क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड या मिथाइल। ऑलरेडी देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी है आपका मिल रहा है, वहां पे मेथॉक्सिल ग्रुप वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं कार्बोकेटाइन को। आपको इसको ऐसे लिख सकते थे CH3, और ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये क्या होगा CH3, ये क्या होगा CH2+, ये क्या होगा CH3, ये है आपका कार्बोकेटाइन। बताओ रिएजमेंट होगा, नो रिएजमेंट, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है आपका, ये ग्रुप रेजोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, वो रेजोनेटिंग ग्रुप होगा तो फिर क्यों रिएजमेंट दिखाएंगे आप, दिखाएंगे रेजोनेटिंग में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी तो रेजोनेंस के थ्रू दिखा ही रहो आप। ये कौन दिखा रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो रिएजमेंट। मैंने पहले ही बता दिया रिएजमेंट का एक ही कंट्रोलिंग फैक्टर होता है स्टेबिलिटी, अगर ऑलरेडी आप ज्यादा स्टेबल होते फिर रिएजमेंट क्यों करोगे आप, कर लेंगे। देखो और देखना, ये बता रहे आपको देखना, दरे दो ये और ये पॉजिटिव, बताइए रिएजमेंट होगा। आप देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना देख रहे हो, 3 3 1 कितना देख रहे हो आप, अगर रिएजमेंट करवाएंगे भी हम लोग तो रिएजमेंट करवा के क्या लाएंगे, ये रिएजमेंट करवा के लाएंगे। देखो अगर रिएजमेंट करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है इसमें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है आपका, तो रिएजमेंट होगा यहाँ पे, नो रिएजमेंट। अब देखो क्या होगा, अगर रिएजमेंट नहीं होगा और मान लो कि आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप था, सुनो क्या बता रहे, देखो यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते किसके लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के रूट बताएंगे मैं आपको, वहां पे कार्बोकेटाइन ही बनवाएंगे आपसे, आप कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे,
अब मैं बोलूंगा पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, तो देखो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है क्योंकि ये बीटा पोजीशन हो सकता है, एक यहाँ से डबल बॉन्ड आ सकता है क्योंकि ये बीटा पोजीशन हो सकता है, यहाँ का भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि उसके रिअरेंजमेंट करने के उसको रिअरेंज उस प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करेंगे, जब हम लोग एलिमिनेशन करवाते हैं वहां पे थ्री पॉसिबिलिटी होगा तो फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो भाई ऑप्शन में देगा विच वन इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो मेजर माइनर भी पूछता, जो नॉर्मल रिएक्शन है तो उसको रूट में कौन सा का इंटरमीडिएट बनेगा वो भी पूछेगा आपसे, पॉसिबल इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, मेजर माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, विच वन नॉट पॉसिबल ऑफ दिस रिएक्शन, ये सब क्वेश्चन डालता है। और ये जब भी क्वेश्चन आता है तो कभी आपका पर्किन कंडेंसेशन एल्डोल पर्किन कंडेंसेशन नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन उसी पे क्वेश्चन डालता है। कर लेंगे तो ये समझ में, अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेट है। अब देखो अब क्या होता है, ये देखो ये ऑलरेडी फाइव मेंबरिंग है, ये हाँ फाइव मेंबर से ज्यादा स्टेबल होता है सिक्स मेंबर। अगर मान लो रिएक्टेंट जब मैंने जो स्टार्ट किया वहां पे फाइव मेंबर है, अगर वो रिएक्टेंट में फाइव मेंबर रिंग को अगर मैं सिक्स मेंबर में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो भाई हम पेपर दैट डेफिनेटली हैव टू पेपर द रिएजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, तो रिंग एक्सपेंशन तभी करा जाएंगे जब कार्बोकैटायन साइड चेन में रहेगा, रिंग पे अगर कार्बोकैटायन रहेगा तो एक्सपेंशन नहीं करवाएंगे। आई बात समझ में? रिंग एक्सपेंशन कब होगा, जब कार्बोकैटायन कहाँ रहेगा, साइड चेन में। याद रखोगे फाइव मेंबर किस में जाएगा, सिक्स, सिक्स किस में जाएगा, फाइव सेवन, सिक्स में रहता सेवन में नहीं जाता, स्टेबिलिटी कम हो जाता। मैंने आपको स्टेबिलिटी बताया था साइक्लोप्रोपेन सबसे लेस स्टेबल बताया था, उसका साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, और फिर स्टेबिलिटी कम होता था। आई बात समझ में? तो फाइव मेंबर को सिक्स में लेके जाना, फोर मेंबर को फाइव में लेके जाना, फोर मेंबर को फाइव में लेके जाना, और ये तभी आप एक्सपेंड करोगे जब कार्बोकेटन कहाँ रहेगा, साइड चेन में। रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिंग एक्सपेंशन का चांस नहीं होता, क्योंकि खुद से सोचो रिंग में जो कार्बन इंक्लूड, रिंग पे जो कार्बन रिंग में जितना मेंबर है उसी मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फिर एक्सपेंशन क्यों होगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा को ऐड करोगे आप वहां पे, तो एक्स्ट्रा का कहाँ से लाएंगे, साइड चेन से। अगर मान लो कि आपने क्या क्या, देखो ए बी सी ये तीन रिंग बना के रखा, डी यहाँ पे है, इसको तीनों बुलाया जाओ तो वो चार आके यहाँ पे ए बी सी डी बना दिए, तभी ना बनाएगा। अगर मान लो ए अभी सी है, आप पॉजिटिव चार्ज इस पे है, अब किसको बुलाएगा ये रिंग बनाने के लिए, ऑलरेडी तो थ्री मेंबर का रिंग है, और रिंग पे आपने क्या दिया पॉजिटिव चार्ज, एक्सपेंड क्यों करेगा ये, अभी करेगा एक्सपेंशन नहीं, तो एक्सपेंशन कब होगा, जब एक्स्ट्रा कार्बन आप लेके आओगे, एक्स्ट्रा कार्बन कब लेके आओगे, जब पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा आपका, साइड चेन में। आई बात समझ में? तो लिख लो एक दो पॉइंट। हाँ रिंग कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग कंट्रैक्शन का चांस होता है, किसका चांस होता है, रिंग कंट्रैक्शन का, तो लिख लो। कंट्रैक्शन का चांस होगा जो बहुत हाई लेवल का चीज है, आपका पूछेगा ही नहीं कभी, उतना लेवल तक आप सोच ही नहीं पाओगे इसलिए पूछेगा ही नहीं कभी आपसे। देखो पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन, पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड चेन, देन चांस ऑफ किसका होगा बताइए, देन चांस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। आई बात समझ में? रिंग में एक ही कार्बन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, एट ए टाइम दो कार्बन एक्स्ट्रा नहीं ला सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मान लो कि आपका क्या होगा, ए अभी मान लो सी और डी ये रिंग में है, और यहाँ से ई जुड़ा, ये एफ एफ जुड़ा है इसके साथ, आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो नहीं रिंग में नहीं ला सकते हो, रिंग में ला सकते हो जब ई पे रहेगा। आई बात समझ में? मतलब इतना भी बड़ा नहीं होता कि आप यहाँ से एक ही बार जंप मार दोगे, नहीं, जब भी रिंग में लाएंगे तो कहाँ पे होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे या साइड चेन के किस पे, कार्बन फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए कि नेक्स्ट या फर्स्ट कार्बन पे। तो देखो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कार्बन पे,
सैट चेन के कहाँ पे होगा ये बताइए, फर्स्ट कार्बन। फिर देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग, मे बी चांस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन तभी करेंगे जब स्टेबिलिटी का कुछ रूल होता है। जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो फाइट होता है टू और, देखो रिंग जब एक्सपेंशन होता है ना तो फाइट होता है किसमें, देखो टू और फोर, ये फोर और सिक्स में, तो विनर होता है कौन, सिक्स, और होता है थ्री एंड फाइव में, तो विनर कौन होगा, फाइव। कभी कभी फाइव और सेवन में भी फाइटिंग हो तो विनर कौन होगा, फाइव। अब हमें से एक्सपेंड करके फाइव और सिक्स मेंबर को प्रेफर करना, आई बात समझ में, किसको प्रेफर करना, फाइव और सिक्स मेंबर को। तो मैंने क्या बोला, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड चेन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन देन चांस ऑफ रिंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग मे बी चांस ऑफ रिंग कंट्रेक्शन, एक्सपेंशन होगा वहां पे नो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखा मैंने, साइड चेन में, कहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि और कार्बन होता तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाता, तो क्या होता है रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रेक्शन, एक्सपेंशन। तो देखो कैसे होगा, देखना कैसे करते, सुनना, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाना, या तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाओगे। आप खुद सोचो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना के फायदा क्या होगा, अगर आप इसके यहाँ पे मान लो निगेटिव लाया आपने, इसके बीच में बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब रिंग को तोड़ दिया आपने, और ये कार्बन लेके अगर उसके साथ बॉन्ड बनाओगे तो रिंग को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से होल्ड रहता है ना रिंग के जिस मेंबर से, उस पर कभी निगेटिव में नहीं जाना, निगेटिव लाना आपको इस कार्बन पे। तो मान लो कि आपने ऐसा बॉन्ड को तोड़ा, देखो मैंने क्या, ऐसे बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड को तोड़ने से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे कौन आएगा, अब बताओ ये बॉन्ड बना सकता है, नहीं। मैंने क्या बोला, इसको इसके बीच में बॉन्ड बनाना है मेरे को, यहाँ पे कौन सा किस कार्बन पे कौन आना चाहिए, निगेटिव, या तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाना है तो इस पे क्या आना चाहिए, निगेटिव। ये देखो या तो ये बॉन्ड को इस वे से तोड़ोगे या तो ये बॉन्ड को इस फैशन में तोड़ोगे, जैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो नेक्स्ट जो आपका आगे जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव बचेगा क्या यहाँ पे, इसी पे बचेगा ना, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिंग एक्सपेंशन। देखो रिंग एक्सपेंशन में होगा क्या, अब यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बनाएगा, सिक्स मेंबर, देखो इस तरह से बनाए कुछ, देखो मैंने किसके बीच में लिया था, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना ये था, और देखो यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो देखो ये इसी के बीच में जो बॉन्ड हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इस पर, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बनाया आपने, इसके बीच में बॉन्ड बनाया ना, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा आपका, अगर आपने इसको वन लिया, ये टू लिया, ये थ्री लिया, ये फोर लिया, फाइव लिया, सिक्स मेंबर रिंग बन दिख रहा है आपको, तो बताओ टू पे क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव। अब वन एंड फाइव सिक्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बनना चाहिए, बॉन्ड, तो कितना मेंबर बन गया, सिक्स मेंबर। कुछ नहीं करना, साइड चेन में जो कार्बन होगा उसको वन इंक्लूड कर देना, वन से स्टार्ट कर देना, रिंग के कार्बन को वन टू थ्री फोर फाइव दे देना, अब आपका देखने की एक कार्बन आपके एक्स्ट्रा ला रहे हो तो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग रिंग का साइज बना लेना, और किस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो आपको दिख जाएगा, वहां पे पॉजिटिव दे देना, कर लेंगे। तो कितना मेंबर रिंग बनाया मैंने, सिक्स मेंबर। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये सिक्स मेंबर है ये, अगर मान लो इसको मैंने वन लिया तो ये क्या होगा, टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा मैंने, देखो वहां पे पॉजिटिव चार्ज टू पे दिखाया था ना, आई बात समझ में। फिर देखो कहाँ से रिंग का साइज लोगे,
फिर स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करोगे कि नहीं? कितना मेंबर बनेगा? 6 मेंबर बनाओ खुद से, दिखाइए। देखो कैसे करेंगे आप, देखना कौन सा कार्बन कोडिंग में लेकर आ रहे हो। ये कार्बन को पहले सबसे देखना कि जिस कार्बन कोडिंग में आ रहे हो उसको हाईलाइट करना। इस कार्बन कोडिंग में लेकर आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 को कहाँ पे लाना? पहले देखो 2 4 3, देखो 2 3 4 5 6, देखो 2 3 4 5 6, ये ऑलरेडी 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। 1 जो कार्बन नेमिंग किया उसको मैं रिंग में लेके आ रहा हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा, या तो 1 को 3 से या तो 1 को 6 से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 1 को किस से, या तो 3 से या तो 1 को किस से करना पड़ेगा, बताइए किस से करना पड़ेगा? 1 को 6 से या तो 1 को 3 से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप इधर बॉन्ड बनाएंगे या तो इधर बॉन्ड बनाएंगे आपके पास है। तो मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर बॉन्ड बना दिया थोड़ा मैंने, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 1 एंड 6 के बीच में। तो पॉजिटिव किस पे जा रहा है? 2 पे। देखिए मैंने 2 और 6 के बीच का बॉन्ड को तोड़ा, 2 और 6 के बीच को जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं उस पर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 6 पे क्या रहा है? निगेटिव। मैंने 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बना दिया, तो 2 पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देखो कैसा हो जाएगा, तो मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पर रिंग का साइज दे रही है दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। 1 पे ऑलरेडी देखो कौन था, मेथाइल ग्रुप था कि नहीं यहाँ पे, तो 1 पे मेथाइल दिखना चाहिए कि नहीं। कार्बोकेटन कहाँ पे आ गया आपका? 2 पे। 6 से 1 क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। देखो आ रहा है वहां पे, आई बात समझ में? ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखना था ये भी लिखो जो बताया था आपको। पॉजिटिव चार्ज ये भी लिख सकते हो आप, वही तो है वो। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं? फिर इसको क्या बोलते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंड करने के बाद हाइड्राइड शिफ्ट होता है। देखो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, आई बात समझ में? रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या किया मैंने, एक हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन। आई बात समझ रही है? एक्सपेंशन इसमें बताइए, खुद से कीजिए, करो खुद से। जैसे यहां पे नंबरिंग करेंगे ना, तो मेरे को क्या करना है, इसको लाना रिंग में, तो उसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, 2 3 4 5। अब चांस होता है कि 1 को या तो 3 के साथ बॉन्ड बनाओ या तो 1 को किसके साथ, 5 के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा डॉटेड डॉटेड देके मैंने 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन जो हो रहा है देखो कैसा हो रहा है आपका। तो पहले तो ये क्या था आपका, देखो 5 मेंबर था, उसमें एक आपने इंक्लूड किया। अब देखो ये क्या था आपका, 1 था,
ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये क्या होगा फाइव, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे इस पे, टू पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग देखो। पॉजिटिव, अब यहां से क्या होगा, एट डेट शिफ्ट, ये क्या बोलेंगे उसको, वन टू एट डेट शिफ्ट, तो वन टू एट डेट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे पॉजिटिव 3 डिग्री है, ये मोर स्टेबल है। रिंग एक्सपेंशन में सबसे पहले याद रखना कि रिंग एक्सपेंशन तभी करवाएंगे जब पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा उसका, साइड चेन में, साइड चेन पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर्स्ट कार्बन, राइट। रिंग कार्बन अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग कार्बन, तो मे बी चांस ऑफ कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन का तो होगा ही नहीं। दिखाते देखो, आप अगर मान लो कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव है ये, और ये क्या होगा मिथाइल है, क्या करेंगे आप, एक्सपेंशन करेंगे, कहां से एक्सपेंशन करेंगे, किसको कनेक्ट करना, आपको इसको तो लाओगे तभी जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कहां से आप एक्सपेंशन तो करेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ हाइड डेट शिफ्ट होगा, मतलब क्या यहां से एक हाइड्रोजन होगा हाइड डेट शिफ्ट होगा, वन टू क्या हो जाएगा एड डेट शिफ्ट होगा, एक्सपेंशन का चांस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने कहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे रिंग कार्बन पे, तो कभी नहीं आप शिफ्टिंग दिखाएंगे, शिफ्टिंग दिखाएंगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक्सपेंशन करने क्या कहाँ चाहिए आपका, पॉजिटिव चार्ज साइड चेन में कर लेंगे। देखो और कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा एक्सपेंशन तो होगा नहीं, कंट्रैक्शन का चांस है, क्या चांस है, देखो कंट्रैक्शन के क्यों जाएगा कंट्रैक्शन, उसके लिए देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों कंट्रैक्ट नहीं किए, तो देखो उसका रीजन क्या है, यहाँ पे अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसके बीच में बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये वन टू थ्री फोर रिंग को कंट्रैक्ट करेंगे तो एक कार्बन को साइड निकालना है, कंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन को आपको साइड करना है, तो फोर कार्बन को मान लो साइड कर रहा हूं, तो फिर वन एंड फोर के बीच में बॉन्ड बनाना ब्रेक करना पड़ेगा, अब वन एंड थ्री के बीच में क्या करना पड़ेगा बॉन्डिंग, ऐसे एडवांटेज क्या मिलेगा, क्योंकि रिजल्टिंग जो कार्बोकैटायन होगा वो मोर स्टेबल होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है वहां पे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे इस रिंग को कैसे करेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा कैसे, देखो इसके इसको मैंने तोड़ दिया, इसे लॉन्ग कर दिया, देखो ऐसे तोड़ेंगे ऐसे ऐसे, देखो इसको मैंने तोड़ा ऐसे इस तरह से, देखो निगेटिव कहाँ पे ला रहा हूँ, अब पॉजिटिव कहाँ, वन पे, एग्जिस्टिंग पॉजिटिव कहाँ आपका वन पे, अब थ्री पे क्या ला रहा हूँ निगेटिव, तो वन एंड थ्री के बीच में क्या होगा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो तोड़े उसे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा फोर पे, तो फोर कहाँ चलेगा रिंग के बाहर, देखो कैसा बनेगा आपका, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा देखना, मतलब क्या था ये वन था, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया फोर पे, मैंने ये जो कार्बन लिया था मैंने क्या बोला था, ये कार्बन देखो ये कार्बन, ये कार्बन को मेरे को बाहर निकालना था, तो बाहर निकाल दिया मैंने इसको, तो क्या होगा रिंग कंट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, और रिंग कंट्रैक्शन से एडवांटेज क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन, मैंने बताया था साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता, मोर स्टेबल डी टू डांसिंग रेजोनेंस, अगर वन एंड टू में स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा बताइए, वन से ग्रेटर कौन होगा टू, ये रूल होता है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का,
कर लेंगे। रिंग का अट्रैक्शन कहाँ होता है समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर इस टाइप का कार्बोकेटायन होगा तो इसमें एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंड करके तो आप स्टेबिलिटी कम कर रहे हो, तो जैसा वैसे रखो तो क्या होगा, इसमें रिएजमेंट होगा बताइए। नो रिएजमेंट, क्यों नहीं रिएजमेंट होगा बताइए। अगर इसको 4 मेंबर में लेके भी जाओगे तो ये बना देंगे हम लोग। अरे 4 मेंबर में लेके जाओगे तो क्या करोगे, इसके बीच में कहीं बॉन्ड बनाओगे ना, तो क्या बना दोगे, ये बन जाएगा आपका। और उससे तो ऑलरेडी ये खुद अपना स्टेबल है, तो ये साइक्लोप्रोपाइल को अगर बोलोगे रिएजिंग करने के लिए तो जाएगा वो, नहीं तो 3 से 4 का भी नहीं बनाना, 4 से 3 लाना, लेकिन 3 से 4 नहीं जाना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो 4 से 5 जाओ, प्रोबाइटेड साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, 5 से 6 जाओ अलाउड है, 4 से 3 पॉसिबल है। रिंग कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 4 से कहाँ पे आएंगे, 3 पे, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन क्या होगा, मोर स्टेबल। कर लेंगे। और देखो एक और बताते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो क्या होता, देखो क्या होता है यहाँ पे, रिंग ओपन हो जाता, 3 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग ओपन हो जाता, 4 में पॉजिटिव चार्ज, रिंग अट्रैक्ट हो जाता, एलाइलिक बना देता, बहुत स्टेबल होता है ये। तो कहाँ पे रिंग ओपन देखा आपने, 3। अब 4 मेंबर क्या देखा आपने, कंट्रैक्शन। देखो कैसे ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ निगेटिव रहता, बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब ऐसे मैंने तोड़ा है, इस तरह से देखो, इस तरह से बॉन्ड बना गया, यहाँ पे तोड़ दिया, मतलब ये जो था आपका 1 2 3, तो मैंने क्या किया देखो, 1 रखा, इसको ऐसे कर दोने में, 1 2 3, देखो 1 2 3, देखो 3 पे पॉजिटिव चार्ज लेके छोड़ दिया मैंने, 1 2 के बीच में क्या बोल दिया, बॉन्ड पे क्या बना, एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं, रिंग ओपन होगा कि रिंग कंट्रैक्शन, रिंग ही खुल गया, तो 3 मेंबर रिंग ओपन हो जाता। कर लेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखेंगे, देखो 4 मेंबर रिंग, विद पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, रिंग कार्बन, रिंग कंटेक्शन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। रिंग ओपन कब होगा, थ्री मेंबर विद पॉजिटिव चार्ज याद रखेंगे। आप 4 मेंबर में क्या देखेंगे, आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 3 मेंबर में क्या देखेंगे, नहीं एक्सपेंशन, प्रोवाइडेड पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए रिंग कार्बन पे, मैंने पहले ही बता दिया था कॉन्ट्रैक्शन का चांस के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रिंग कार्बन पे, एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए साइड कार्बन पे, इतना याद रखो। कर लेंगे। आप देखो साइड कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखोगे, लेकिन एक्सपेंशन नहीं करना, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, इसलिए नहीं जाएंगे हम लोग। यही था अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ये कुछ एक्सेप्शनल पे मैं ये जो देखते हो, ये सब जब आप आकाश का पैकेज बनाओगे किसी का, तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन देता है ना, फ्रंट ऑफ क्वेश्चन देता है, तो वहां पे ये सब देखने को मिलेगा। कर लेंगे। नॉर्मल नीट लेवल का क्वेश्चन बनाओगे तो नीट में जो ये पहले जो बताए थे, 1 2 4 5 पहले जो बताए थे रिंग एक्सपेंशन का, 5 से 6 गए थे, 4 से क्या गए थे, 5 गए थे, बस उतना ही था कि वर्क करना। कर लेंगे। आई बात समझ में, चलिए आइए। कार्बन आयंस,
कार्बोनिक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। होमोलैटिक फिजन या हेटरोलैटिक फिजन? हेटरोलैटिक। कार्बनाइन जब भी बनाएंगे तो हेटरोलैटिक के थ्रू आएगा, कार्बोकेटाइन जब भी बनाएंगे तो किसके थ्रू होगा? हेटरोलैटिक। और फ्री रेडिकल जब बनाते थे क्या होता? होमोलैटिक। देखो स्ट्रक्चर आइए, स्ट्रक्चर आएंगे तो देखो क्या होता है। sp3 भी होता है, sp2 भी होता है, sp भी होता है। जबकि कार्बोकेटाइन में क्या देखा था आपने? फ्री रेडिकल में क्या देखा था आपने? sp2। एक्सेप्शन क्या था? sp3। यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे s3 होता है, sp3 भी होता है, sp2 भी होता है और sp भी होता है। देखो ये कौन होगा? नॉन रेजोनेटिंग। अगर मान लो नॉन रेजोनेटिंग है, कोई पाप मान लो नॉन रेजोनेटिंग है, कोई बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप वहां पे? sp3। ये क्या होगा? रेजोनेटिंग। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। बताओ एलाइलिक बेंजाइलिक कहीं भी दिखेगा तो क्या आप बोलेंगे? sp2। अब देखो ये कहां पे होता है, तो देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने पहले ही बता दिया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता था हमेशा sp होता। कार्बन अगर दो पाई बॉन्ड बनेगा तो हमेशा sp रहेगा, बोले थे। यहाँ पे कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है? तो क्या बोलेंगे आप? अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब उस पर क्या है? लोन पेयर है। मैंने आपको स्टेरिक नंबर काउंट करना बताए थे, पर्टिकुलरली उस कार्बन का जब बात करेंगे, उस कार्बन का बात करेंगे तो उस पर लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है उसके सराउंडिंग में? 1। आपके स्टेरिक नंबर एक्स का वैल्यू कितना होगा? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp। याद करो मैंने पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया था, मैंने सिग्मा बॉन्ड पर लोन पर लेके स्टेरिक नंबर बोल के सीधा मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था। याद करो, बताए थे आपको। तो यहाँ पे आपने कितना देखा? निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? कि लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर कितना लिए? 1 लिए। और सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है वो? 1। रिमाइनिंग 2 क्या आपका? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पर लोन पेयर को काउंट किए कितना मिला? 2। तो स्टेरिक नंबर 2 के पे कौन सा आपका हाइब्रिडाइजेशन था? sp। कर लेंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद निगेटिव चार्ज क्या बनाएंगे? sp। कर लोगे? अब आइए इस पे देखो, अगर मान लो CH3- होगा, अगर मान लो CH3CH2- होगा, ये सब क्या होगा? sp sp3। सब पे देखो एक एक लोन पेयर होगा। अब खुद देखो जो कार्बन पे लोन पेयर लिया उस पे लोन पेयर एक है, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना मिला? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3। आई बात समझ में? sp3 के साथ अगर एक स्टेरिक साइड पर अगर लोन पेयर देंगे तो ज्योमेट्री क्या होता है? पिरामिडल। तो CH3- का ज्योमेट्री क्या होगा? पिरामिडल। जबकि CH3+ का ज्योमेट्री क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या था वहां पे? sp2। ये सब दिमाग में थोड़ा याद रखना, पूछता क्वेश्चन इससे, देखो क्या हो जाएगा। CH3 होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन। ये क्या होता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। और ये किधर? लोन पेयर के साथ कौन रहेगा आपका? sp3। कौन सा चार्ज इस पर? निगेटिव। ज्योमेट्री देखो, कौन सा ज्योमेट्री है इसका? पिरामिडल। कितना इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में? कार्बन के सराउंडिंग में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको? 8। लोन पेयर भी एक है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, कितना मिलेगा? 8। मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता कभी। कर लेंगे तो शेप क्या होता है इसका? पिरामिडल बोल दोगे आप। देखो
अगर आपसे पूछेगा कि ये कार्बन आयन है तो इसका बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बोलेंगे आप एसपी? देखो कि कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा था, क्या बोल दोगे एसपी थ्री कर लोगे? अब देखो ये क्या होता है एलाइलिक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या दिखाओगे? रेजोनेंस। पिलोन पेर को कहाँ रखना पड़ेगा? टूपी में, और टूपी में जैसे रखे थे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 कर लेंगे। आप बेंजैलिक पोजीशन लाएंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे, तो आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लिखाएंगे? आप sp2 एलाइलिक बेंजैलिक क्या देंगे आप हमें सब? एलाइलिक कार्बन आयन, बेंजैलिक कार्बन आयन क्या होता है? sp2। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे बताइए? चार्ज में आपको एलाइलिक बेंजैलिक पे क्या देंगे आप? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या देंगे आप? विदाउट एनी पाई बॉन्ड क्या देंगे? नॉन रेजोनेटिंग। यहाँ तो देखो पाई बॉन्ड तो नहीं बना रहे आप, लेकिन आप कहाँ पे रेजोनेटिंग पोजिशन पे, तो आप क्या हो गया sp2। अगर आप पाई बॉन्ड नहीं बना रहे, ना रेजोनेंस दिखा रहे थे, क्या होगा sp3। तो तीनों पॉसिबिलिटी होता है किसका? कार्बन एंड कर लेंगे। अब ये देखो इसका बताइए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? विनाइलिक कार्बन आयन है ना ये sp2। सिग्मा बॉन्ड पर देखो कितना है उसका, अलोन पर कितना है? 3 स्टेरिक साइड पे वर्क करना है, x=3 पे वर्क करना है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो विनाइलिक कार्बन आयन भी क्या होता है? sp2। मैंने याद करो बताया था केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाए थे बॉन्डिंग, तो मैंने बोला था कार्बन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, विदाउट पाई बॉन्ड sp3। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? sp2। क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पर कितना देख रहे हो आप? 2। लॉन पर कितना देख रहे हो? 1। स्ट्राइक नंबर कितना आ गया? 3। थ्री स्टेरिक नंबर पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2। यहाँ पे क्या था आपका? देखो यहाँ पे क्या था, सिग्मा बॉन्ड पर कितना देखे थे आपने? 1। लॉन पर क्या देखा था? 1। तो सिग्मा बॉन्ड पर लॉन पर को क्या लिए थे? स्टेरिक नंबर लिए थे। आपने एक्स का वैल्यू फाइंड किया था, x=2 क्या था? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल याद करो। और x=2 मैंने बोला था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या बोला था? सिग्मा बॉन्ड पर प्लस क्या बोला था? लॉन पर बोले थे। तो कुछ आइडिया लगा हाइब्रिडाइजेशन का? जैसे मान लो मैंने क्या बोला था आपको कि हाइड्रोजन साइनाइड है ये, अगर मेरे को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो सीधा बोलेंगे sp, क्योंकि कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है? 2। देखो उसके सराउंडिंग में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2। पाई बॉन्ड कितना है? 2। लॉन पेयर तो एक भी नहीं है, तो दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेंगे? sp। मान लो नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा, तो नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर तो है आपका, एक क्या सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो एक लॉन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे? sp। तो यहाँ पे कार्बन भी sp है, नाइट्रोजन भी sp है। आई बात समझ में? ये सब होता है फाइंड करने का, हाइब्रिडाइजेशन बता दिए थे, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर x=2 क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ये क्या होता था आपका? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताए थे, क्योंकि पाई बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द सिग्मा बॉन्डिंग, या तो लॉन पेयर के साथ रहेगा या तो क्या बनाएगा? सिग्मा। कर लोगे लिको स्टेबिलिटी? खुद बताइए नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डोनर क्या करेगा? एक्स एक्सेप्टर क्या करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? हाई होगा। आप डोनेटिंग ग्रुप लेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? लो होगा। आप हमेशा याद रखेंगे रेजोनेंस को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेटिक ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, नॉन रेजोनेटिक ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। और कार्बन आयन में कोई एरोमेटिक आ गया तो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा कर देंगे। आई बात समझ में? तो लिखो यहाँ पे स्टेबिलिटी एन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस वायल अ डोनर। डोनर का मतलब क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सबसे एडवांटेज क्या है इसमें कि आप रिएजमेंट नहीं पढ़ोगे। आई बताऊं, कार्बोकेटाइन में रिएजमेंट पढ़ना है, इसमें नहीं। स्टेबिलिटी जाएंगे तो स्टेबिलिटी में आप बोलोगे सीधा। एक होगा रेजोनेटिंग कार्बन आयन, ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग में जाएंगे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, एरोमेटिक कार्बन आयन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा वो। किससे? बट क्या होना चाहिए वो रेजोनेटिंग? आप खुद से बताइए, एंटी एरोमेटिक होगा तो सबसे लेस स्टेबल होगा। इवन नॉन रेजोनेटिंग जो कार्बन आयन लिए उससे भी लेस स्टेबल कौन होगा आपका? एंटी एरोमेटिक कर लेंगे। जैसे जैसे आप ऑर्डर किस में लिए थे, कार्बोकेटाइन में सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं रेजोनेंस का, किस में? कार्बन आयन में। हाँ, नेचर ऑफ ग्रुप डिफर कर जाएगा, उसमें क्या होता है डोनेटिंग, इसमें क्या होगा विदड्रॉइंग, कर लेंगे। अब आइए देखिए, देखो CH3-, CH3 CH2-, हाइपर कंजुगेशन का हेल्प नहीं लेंगे। हाइपर कंजुगेशन मैंने बताया सिग्मा पाई पी या सिग्मा पाई कंजुगेशन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका फिल्ड पी और वाइटल है, वैकेंट नहीं है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखा पाएंगे आप। CH3 CH और ये क्या होगा CH3-, CH3 C- और क्या लिए CH3 CH3। आप बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएंगे, वन ग्रेटर देन टू थ्री फोर, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे। देखो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या होगा लेस स्टेबल, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा लेस स्टेबल, कर लेंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो स्टेबिलिटी क्या कर देता है कम। CH2-, CH2-, लोगों बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। वन क्या, टू में क्या, NO2 क्या देता, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं वहां से, माइनस आर भी देगा, टू सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होगा स्ट्रॉन्गर, माइनस आर इफेक्ट है तो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। देखो देखो इधर, देखो देखो ये क्या एलालिक है आपका, एलालिक में क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे आप? ये नॉर्मल तो देखते हैं रेजोनेंस होता ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2- है, ये नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है पावरफुल माइनस आर इफेक्ट देता है कि पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता था,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव को इधर लाएंगे, ऑक्सीजन पे फेंकेंगे आप पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट्स को, क्यों? ऑक्सीजन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने बताया था आपको, कीप द पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम, अ सेकेंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट, ऑलवेज दैट ग्रुप पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो पुल करेगा, तो देखो पुल क्या ये, पुल करने के बाद क्या आ जाएगा इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और ये क्या होगा एनओ टू, बताओ यहाँ पे एनओ टू ने कौन सा रोल प्ले किया? स्ट्रॉन्गर क्या दे रहा है ये, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट? अब तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेजोनेटिक ग्रुप आप होंगे, कार्बनाइन को एबल टू डिस्पर्स थ्रू रेजोनेंस, स्टेबिलिटी क्या होगा उसका, हाई होगा, तो नाइट्रो ग्रुप सब देख रहे हैं, साइनाइड ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है एडजेसेंट टू कार्बनाइन, तो दैट कार्बनाइन एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, नाइट्रो ग्रुप साइनाइड ग्रुप दिस ग्रुप एडजेसेंट टू द कार्बनाइन, तो दैट कार्बनाइन एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, मेथॉक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप एमिनो ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोकेटन, दैट कार्बोकेटन एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, किसमें उससे कोई मतलब नहीं, इक्वेलेंट सीएस का जो कंसेप्ट होता है ना वो इंटरमीडिएट के लिए आप कभी मत यूज करना, वो सब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी के लिए होता है, या कोई कंपाउंड जो इंटरमीडिएट क्या करता है तो स्टे तो नहीं करना उसको, तो अल्टीमेटली किसके मानना, प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट में अगर रेजोनेंस आ रहा है तो उसके बाद इक्विवेलेंट सीएस के बेसिस पे मेजर माइनर बोल रहा हूँ, आई बात समझ में, यहाँ तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे वन में इक्विवेलेंट सीएस है, रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में ग्रुप वैरी कर रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या है उनका माइनस आई माइनस आर, यहाँ पे ये क्या है प्लस दिखा रहा है ये, अब देखो यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी क्यों लिए, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन रेजोनेंस का एडवांटेज है, इसको स्टेबिलिटी क्यों लिए कि नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रांगली पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कर लेंगे तो नाइट्रो फाइट्रो जहां भी रहेगा तब कार्बनाइन क्या होगा मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल मोर स्टेबल, कर लेंगे फिर देखो CH3 CH2 माइनस है आपके पास, CH2 CH माइनस है आपके पास, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है आपके पास, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था SP का ज्यादा होता है किससे, SP2 से उसका कंपेयर होता है किस SP3 से, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बनाइन क्या होगा उतना ज्यादा स्टेबल, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, थ्री उसका क्या हो जाएगा, टू उसका क्या हो जाएगा, वन, कर लेंगे CH2 माइनस है ये, मेथॉक्सी ग्रुप कौन सा ग्रुप है चेक करो आप, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग, नाइट्रो ग्रुप क्या होगा देखो CH2 माइनस है, Cl क्या दिखाएगा, बताइए वन टू थ्री फोर में अगर कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी तो किसका ज्यादा होगा, बताइए कौन सा ग्रुप है, ये लॉन पेयर है नहीं है, तो माइनस आई से डोमिनेंट होता है ना इसका प्लस आर इफेक्ट, तो क्या होगा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग, डोनर हो गया ये क्या दिखाता है माइनस आई और क्या दिखाता है माइनस आर, तो स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये माइनस आर डोमिनेंट ओवर द प्लस आर, फिर क्या हो जाएगा ये पुअर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर तो है नहीं, अब तो बताइए कहाँ पे माइनस आर दिखा, टू में माइनस आर कहाँ देखा आपका, टू में, तो स्टेबिलिटी देखेंगे पहले रेजोनेंस पे, जहां भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा थ्रू द रेजोनेंस दैट बेंजाइल कार्बनाइन विल बी मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, टू, उसके बाद कौन हो जाएगा थ्री, माइनस आई इफेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, उसका हो जाएगा फोर, सबसे कम कौन हो जाएगा वन, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और रिंग पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करोगे लॉन पे रिपल्सन उतना स्ट्रांगर होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका होगा रिंग का, जितना ज्यादा डेंसिटी देंगे कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठा है, तो दोनों में क्या होगा स्ट्रांग रिपल्सन,
जब बेंजीनिंग डोनर का काम करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आई बात समझ में? अब बेंजीन जब एक्सेप्टर का काम करता है ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज के साथ अगर दोगे तो एक्सेप्टर का काम अगर करेगा तो विड्रॉ जितना करेगा उतना बेटर क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो वो किसके लिए होगा? नाइट्रो। कर लेंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या विड्रॉइंग क्या ग्रुप होता है। कार्बन का स्टेबिलिटी समझ में आया? अब आइए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो होता है ना, सबसे स्टेबल कार्बन आयन होता है। रीजन क्या होता है? रेजोनेंस तो नहीं होगा। रीजन क्या होगा? एसपी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसपी टू, तो रेजोनेंस से पहले एसपी की तरफ चले आना। अब आना रेजोनेंस पे, तो देखो ये कार्बन आयन जो लिए थे वो तो आपके एरोमेटिक था, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन क्या था, एरोमेटिक था, ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्या लेंगे, देखो बेंजैलिक लिया मैंने, उसके बाद क्या लेंगे, एलाइलिक, उसके बाद किसको, CH3, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन मिला आपको? SP। कौन एरोमेटिक है इसमें? सेकेंड वन एरोमेटिक है ना आपका, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन है तो एरोमेटिक कैरेक्टर था ना, ज्यादा स्टेबल होता। यही था इंटरमीडिएट कार्बन आयंस, कंप्लीट हो गया। लिखो कार्बिन, फ्री रेडिकल्स आपको बता चुके थे ना, कार्बिन होता है ये विद ये होगा अपना याद, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन विद टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन विद टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज। अगर कहीं पे मान लो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा आपको दैट हैविंग कार्बन विद टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज, तो क्या बोलेंगे उसको, कार्बिन। और कहीं पे इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बन विद द वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज, तो फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल। कहीं पे नाइट्रोजन मिलेगा आपको फोर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज, तो उसको बोलते हैं नाइट्रीन। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रीन। तो एक होता है हॉफमैन ब्रोमैटिक रेडिएशन होता है ना, वहां पे नाइट्रीन कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, नाइट्रीन बनता नहीं वहां पे, नाइट्रीन कंसर्टेड होता है वो। नाइट्रीन बनना बहुत रेयर कंडीशन होता है, तो नाइट्रीन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे वेस्ट बंगाल से बोर्ड से होंगे तो आपने पढ़ा होगा, और ये जैसे आपने कर्टियस अरेंजमेंट पढ़ा होगा, लोजन स्मिथ पढ़ा होगा आपने, ये सब जितना भी होता है आपका, जैसे बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग वन कार्बन लेस एमीन्स में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्राजोइक एसिड लेके कंसर्टेड SO4, स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो ये सब जितना भी रिएक्शन होता है सब में नाइट्रीन कंसर्टेड रिएक्शन होता है, नाइट्रीन बनता नहीं है लेकिन नाइट्रीन कंसर्टेड होता है, उस पाथ में नाइट्रीन कभी ना कभी आता है वहां पे। कर लेंगे, तो वही होता है कार्बिन। क्या होता है कि कार्बिन एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्टेट फॉलो नहीं होता, इसके पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा विदाउट एनी चार्ज। तो देखो कैसे होता है, ये बनता कैसे देखना। सबसे एग्जाम्पल इसका फेमस है क्लोरो, देखो क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम लोग, लेते क्लोरोफॉर्म। आप खुद से बताइए, 3 क्लोरीन का माइनस आई इम्पैक्ट, 3 क्लोरीन का जो माइनस आई क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, देखो 1 क्लोरीन होता तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता, थोड़ा लो होगा, और 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, तो मान लो एक जगह आप क्या करेंगे कि मान लो कोई फोर्स लगा रहे हैं एक ही पॉइंट पे, मान लो 3 आदमी आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, कभी कभी देखते होंगे किसी चीज को पुश कर तो आप अकेले नहीं कर पाते हो, 3 4 को बोला तो जैसे फोर्स करते थे और पुश हो जाता, तो वही होता है कि माइनस आई इफेक्ट अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, किसमें, क्लोरीन फ्लोरीन में। तो इसीलिए देखा होगा आपने एसिटिक एसिड पे अगर ट्राइफ्लोरो या ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड लाते हैं तो पीके वैल्यू रैपिडली 1 से नीचे चला आता है। आई बात समझ में? तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है किसका, 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट एक नाइट्रो के माइनस आई इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। तो देखो ये 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन का क्या रहेगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, दैट मेक दिस हाइड्रोजन मोर एसिडिक। अब क्या होगा कि एसिडिक रीजन क्या होगा, क्योंकि रिजल्टिंग कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी है,
डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है वहां पे, इसलिए वो भी कार्बन आयन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है आपका। अगर मैं बोलूंगा आपसे देखो आपको यहाँ पे बताते हो, देखो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस लेंगे बेस, बेस का काम होता है यहाँ से प्रोटॉन ट्रैप करना, क्या मिलेगा यहाँ पे CCl3 माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, फिर वहां से क्या करेंगे देखो CCl2 आ जाएगा और क्लोराइड निकल जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो एक ही कार्बन से दो ग्रुप हट रहा है कि नहीं, देखो एक ही कार्बन से मैंने एक बार में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दूसरा बार में किसको रिप्लेस किया, क्लोराइड को। देखो जब दो ग्रुप या एटम अगर एडजेसेंट कार्बन से अगर रिमूव होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन, और जब एक ही कार्बन से दो ग्रुप या एटम अगर रिमूव करोगे तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो कार्बिन हमेशा होता है किसके थ्रू, अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू, याद रखेंगे किसके थ्रू होता है ये, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज बोथ ग्रुप आर रिमूविंग फ्रॉम सेम कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन। सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, अल्फा। और एडजेसेंट पे मान लो कि आपने देखो, आप देखो यहाँ पे लिखना नहीं, जैसे ये क्या होता है ब्रोमीन होता है, आप क्या करते हो इसको स्ट्रॉन्गर बेस इथॉक्साइड लेके हीट करते हैं, आप क्या करते हैं ये मेजर बोल देते हो, होता नहीं है। आपने क्या किया देखो यहाँ पे, यहाँ से ब्रोमीन हटाया, यहाँ से क्या आपने हटाया हाइड्रोजन, तो 1-2 हो गया ना, तो वहां पे क्या होता है बीटा एलिमिनेशन। जैसे क्या बोलते हैं देखो इसको मैंने बोला अल्फा कार्बन था, बीटा पोजीशन से आप क्या करते हो प्रोटोन ट्रैप करते हो, तो उसको बोलते हो बीटा एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोन आपने कहाँ से ट्रैप किया, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप था। देखो प्रोटोन और लिविंग ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे होगा तो प्रोटोन को भी आपने ट्रैप किया, लिविंग ग्रुप भी उसी कार्बन से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। एडजेसेंट कार्बन से अगर प्रोटोन लिविंग ग्रुप लेके जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ना आपको, अल्फा एलिमिनेशन नहीं पढ़ना। अल्फा एलिमिनेशन के एक दो क्वेश्चन आपको जीओसी में कहीं कहीं मिल जाएगा, तो आपको बोलेगा कार्बिन किसके थ्रू आता है, तो याद रखना अल्फा एलिमिनेशन, इतना दिमाग में सेट कर लो कार्बिन किसके थ्रू आता है, अल्फा एलिमिनेशन। ये रिएक्शन जो लिखा मैंने ये रिएक्शन आपको पढ़ना है कहाँ पे, राइमर टाइमर रिएक्शन जब पढ़ाते वहां पे, तो क्या करते हैं हम लोग फेनॉल से क्या लेते हैं हम लोग सेलिसल्डिहाइड लाते हैं, तो सेलिसल्डिहाइड लाने के लिए क्या लेते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म ही लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं अल्कोहलिक OH लेते हैं, तो यही रिएक्शन पढ़ना है वहां पे। चलिए मैंने बता दिया, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, क्या बोलते हैं इसको बताइए, डाइक्लोरोकार्बीन। आपको बोलेगा क्लोरोकार्बीन आता है किसके थ्रू, तब क्या बोलोगे अल्फा एलिमिनेशन, इतना याद रखोगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ये क्या होगा देखना, इसका स्ट्रक्चर लिखो, एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक क्या होता है बताइए सिंगलेट कार्बन, एक क्या होता है आपका ट्रिपलेट। अब सिंगलेट किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, सुनो अगर आपने देखो जैसे कार्बन हाइड्रोजन लिया मैंने और दो हाइब्रिड, और देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपका sp है sp2, और ये क्या आपका 2p, बताइए प्लेन के परपेंडिकुलर किसको रखा मैंने 2p को, अब प्लेन पे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा मैंने sp2। अगर आपका दोनों का दोनों कार्बन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे सिंगलेट। आई बात समझ में, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे देखो कि कार्बन लिए ये कार्बन लिए, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये क्या था आपका ये sp2 था, ये क्या था 2p था, एक इलेक्ट्रॉन आपने sp2 में रखा, एक इलेक्ट्रॉन आपने किस में रखा 2p में, तो इसको बोलते ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं इसको ट्रिपलेट, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन सेम होगा तो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है 3, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो याद करो 2 summation S+1 करवाया था, तो 2 into summation S+1 करेंगे तो क्या होगा 1+1 करेंगे,
आप प्लस वन करेंगे तो कितना रहा, थ्री। वन प्लस वन कितना, हाफ हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, वन। तो टू इंटू वन प्लस वन कितना करेंगे, थ्री। आप बताइए कितना आ गया, ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पे देखो एक दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या अपोजिट है, देखोगा प्लस हाफ तो देख क्या होगा, माइनस हाफ। तो टू इंटू जीरो प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, वन। तो इसीलिए इसको बोलते सिंगलेट। जब आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में, जब फॉस्फो, जब आपका सनलाइट आता है, जब एक्साइटेशन होता है तो सिंगलेट ट्रिपलेट, वहां पे सिंगलेट ट्रिपलेट आता है। एक दो कंडीशन होता है जिसमें केमिकल चेंज आता है, एक होता है फॉस्फोरेसेंस, एक होता है फ्लोरोसेंस। जब ट्रिपलेट स्टेट में जाता है तो क्या होता है, केमिकल चेंज का चांस होता है, जब सिंगलेट में रहता है तो केमिकल चेंज होने का चांस नहीं रहता। ये याद रखोगे, ये सिंगलेट ट्रिपलेट। तो बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका, मतलब ये CH2 में दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलेट। अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे दोनों को स्पिन मैंने सेम रखा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP2। कभी कभी पे देखना कि ट्रिपलेट का दे देगा, ट्रिपलेट सिंगलेट में जाओगे तो ट्रिपलेट का दे देगा कभी SP, जो कि रॉन्ग है। दोनों का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, SP2। अब क्यों, क्योंकि देखो बॉन्ड एंगल जो देखा गया, बॉन्ड एंगल लेस देन 180 है। अगर 180 बॉन्ड एंगल होता तो मैं SP को सपोर्ट करता, लेकिन लेस देन 180 तो नहीं, लेस देन 180 है तो फिर SP2 को सपोर्ट करेंगे। अगर मान लो ट्रिपलेट में जाते तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री के करीब होता है, इसमें जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 185 188 डिग्री के करीब होता है। तो देखो किसी का भी बॉन्ड एंगल तो आप नहीं देखते 180 के करीब, तो क्यों बोलेंगे आप उसको SP। नॉन लिनियर ज्योमेट्री होता तो क्या बोलेंगे आप, SP2 कर लेंगे। तो दोनों क्या होता है, SP2 होता है, सिंगलेट ट्रिपलेट। स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो देखो स्टेबिलिटी क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन किस में ज्यादा होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक ही ऑर्बिटल में रखोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और उसी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर सेपरेट ऑर्बिटल में रखोगे तो रिपल्सन क्या होगा, लेस होगा। तो सिंगलेट ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, ट्रिपलेट का ज्यादा होता है, कंपेयर टू किससे, सिंगलेट से। कर लेंगे, सिंगलेट ट्रिपलेट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आपके पास CH2 है, ये आपके पास CCl2, देखो CF2 है, CF2 लो, CF2 सब कार्बिन है आपका, आपको लॉन पेयर देगा नहीं, आपको सीधा लिख देगा CF2। और आपके पास यहाँ पे देखो CCl2, और आपके पास यहाँ पे CBr2 लिख दिया मैंने, स्टेबिलिटी बताइए। सबका सब सिंगलेट है क्या, है सब सिंगलेट, ट्रिपलेट नहीं है इसमें। क्यों होता है सिंगलेट, उसका एडवांटेज बताते हैं, सबका सब सिंगलेट है यहाँ पे। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जब भी आता है ना, हमेशा क्या आता है, वो सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं आता उसमें। स्टेबिलिटी जाएंगे तो देखो स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, फोर कर दो उसको, सबसे कम कौन होगा, वन। रीजन क्या होगा, लिखो दो इफेक्टिव टू पी पाए, टोपी पाए बैक बॉन्डिंग, इसलिए डाइफ्लोरोकार्बिन जो होता है बहुत स्टेबल होता है, डी टू इफेक्टिव टोपी पाए, टोपी पाए बैक बॉन्डिंग। फील्ड ऑर्बिटल किसके पास है, क्लोरीन के पास। अब वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, कार्बन के पास। तो कौन सा स्टेट में आपका वैकेंट होगा फील्ड ऑर्बिटल, ये पी। सिंगलेट में, ट्रिपलेट में नहीं, ट्रिपलेट में आपने क्या रखा था, दोनों को सिंगली ऑक्यूपाइड रखा था। आपको क्या करना, बैक एंड टू पी को आपको पार्टिसिपेट करवाना आपका बैक बॉन्डिंग में, तो वो कौन सा स्टेट होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट, सिंगलेट। इसीलिए डाइक्लोरोकार्बिन ट्राइक्लोरोकार्बिन हमेशा सिंगलेट ही होता है, क्योंकि उसको एडवांटेज मिलता है बैक बॉन्डिंग का। अगर वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो बैक बॉन्डिंग का एडवांटेज नहीं मिलता। कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग है, देखो ये कार्बन लिए, देखो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, इस पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था आपका, कौन था, SP2। इसके पास क्या था, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी, और देखो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, फील्ड
ये क्या होगा आपका वैकेंट टू पी, आप वैकेंट टू पी इसका फील्ड से वैकेंट को इसमें क्या करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी क्या होता, इंक्रीज होता, तो क्लोरोकार्बिन का बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, याद रखिए ना। ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा नेगेटिव, रेजोनेंस दो होगा, दिखा दो आप कर लेंगे। सी सी एफ टू आपका क्या होता है, मोर स्टेबल सिंगलेट स्टेट या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, क्योंकि आप खुद से सोचो सिंगलेट स्टेट में तो आपके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ भी आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, आप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, आप तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेंगे, आपको अगर मौका मिलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेंगे, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा स्लाइटली क्या किया आपने, रिड्यूस कर लिया, इसीलिए सी सी एफ टू क्या होगा आपका मोर स्टेबल। कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को सी सी एल थ्री माइनस में और सी एफ थ्री माइनस में अगर पूछेगा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो बता दोगे ये तो कार्बन आयन है। वन ग्रेटर देन टू, देखो क्या होगा यहाँ पे कि क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके पास क्या होता है फिल्ड, इसके पास क्या होता है वैकेंट डी, इसका फील्ड और वाइटल इसके वैकेंट को क्या करेगा कोऑर्डिनेट करेगा, और जब डी और वाइटल का रेजोनेंस इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ना, पीपी का बैंड बजा देता है, सबसे ज्यादा डी और वाइटल का रेजोनेंस सबसे इफेक्टिव होता है, तो याद रखना यहाँ पे टू पी पाई किसका कार्बन, टू थ्री डी पाई किसका क्लोरीन, बैक बॉन्डिंग हो रहा है ये। अब बताइए बैक बॉन्डिंग के चलते आप नेगेटिव चार्ज को कितना क्लोरीन पे डिस्पर्स किया, थ्री पे, आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगनल प्लेनर, क्या ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगनल प्लेनर, मतलब कि आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बोलूंगा तो आप क्या होंगे sp2, sp3 नहीं होंगे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के चलते। देखो यहाँ पे कार्बन होगा, ये क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन लिए, ये क्लोरीन लिए, सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इस पे डेल माइनस, इस पे भी डेल माइनस, सब पे क्या हो जाएगा देखो -1/3, -1/3 चार्ज चला जाएगा कि नहीं सब पे, ये मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। आप देखना वहां पे क्लोरीन के केस में ये एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल से नहीं होता, क्लोरीन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का, उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो एडवांटेज मिलेगा आपको ये नहीं, CCl3 या CF3 माइनस, कौन मोर स्टेबल CCl3। कर लेंगे सिमिलरली जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी सी एन थ्री माइनस होता है, ये भी मोर स्टेबल होता है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है, यहाँ भी रेजोनेंस है साइनाइड का, देख लो थ्री साइनाइड है ना, ये भी इसको ट्राइगोनल प्लेनर कर देता है, ये देखो ये साइनाइड लिए, रेजोनेंस देखो कितना होता है, थ्री साइनाइड का -I इफेक्ट आएगा, सॉरी क्या होगा थ्री साइनाइड का -R, देखो आप यहाँ पे निगेटिव देखे देखो रेजोनेंस जा रहा है कि नहीं, क्या होगा लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर या नॉन प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ये भी क्या होता है मोर स्टेबल। कर लेंगे कर ले कॉपी। देखो अगर आपसे पूछेगा ना स्टेबिलिटी तो देखना, कभी कभी स्टेबिलिटी ऐसे ही पूछता, जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन था, देखो स्टेबिलिटी CCl3 माइनस मोर स्टेबल देन ट्राइफेनाइल मेथाइल कार्बन आयन, डाइफेनाइल मेथाइल कार्बन आयन देन फेनाइल कार्बन आयन देन एलाइल कार्बन आयन, याद रखोगे CCl3 माइनस बेंजाइल कार्बन आयन से भी क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखोगे। अब एक होता है बेंजाइन, बेंजाइन के बारे में आपको हेलोकेन सेलोरिन से पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे बेंजाइन के बारे में, नाइट्रीन के बारे में मैंने नहीं बताया, वो बताएंगे जब आपका हॉफमैन ब्रोमेट डिग्रेडेशन बताएंगे तो वहां पे आरडीएस में थोड़ा नाइट्रीन का इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता इससे,
कार्बीन, इसीलिए बताया कि कार्बीन के बारे में जब आप देखोगे CH3, CH3, CF2, CCl2 का कहीं क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए बता दिए कि कैसे आप स्कीमेटिक कंपेयर कर लेंगे। CCl3- ये एक्सेप्शनली मोर स्टेबल कार्बन आयन होता है, डियर बैटल रेजोनेंस मैंने दिखाई दिया आपको किसमें था, 2p5 3d5 बैकबॉन्डिंग के चलते क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ आपको यूनिक एग्जाम्पल जो बताया, ये कहीं के बुक बनाओगे तो वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। नीट का मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पे स्टेबिलिटी लिखा था वहीं पे देखोगे आप। रिएजमेंट आप कहीं नहीं देखेंगे कार्बन आयन, और किसमें, फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी रिएजमेंट किसमें देखना आपको, कार्बोकेटाइन में। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया था सब क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद आपको क्या करेंगे सुनो, इनल कंटेंट मैंने थोड़ा बताया था तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि रोमेटिक कैरेक्टर तो पढ़ चुके हो आप, तो थोड़ा इनल कंटेंट डिवाइड कर देता हूँ। इनल कंटेंट के बाद चले जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल क्या होता है वो बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल के बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, तो इधर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको बचेगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स पढ़ा देते हैं। अब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जैसे एमीन्स का हो जाएगा उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा देंगे आपको। वहां पे बताएंगे लेसेंट टेस्ट क्या होता है, लेविक टेस्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ब्लू कहाँ आता है, आई बात समझे, तो वो पढ़ा देंगे आपको। और फिर उसमें एक होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी आता है उसको, कैरियस मेथड होता है, जेलडाल्स मेथड होता है, डुमाज मेथड होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको। आज तक उतना नहीं पहुंच पाएंगे, ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल देने के बाद चले जाएंगे हम लोग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स पे। ठीक, एक क्लास और लेने, तो एक क्लास के बाद मैं आपका जीओसी कंप्लीट कर दूंगा, उसका चले जाएंगे कहाँ पे हम लोग। तारी वाला कॉलेज मैंने बोला था इसमें कि इनॉल कंटेंट नहीं होगा, बोला था रीजन क्या था कि देखो यहाँ पे इनॉल कंटेंट क्यों नहीं होगा, कि अगर ये हाइड्रोजन लेके आप इनॉल दिखाओगे भी आपका, देखो ये रिजल्टिंग जो कंपाउंड्स होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, इसलिए इनॉल कंटेंट नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट आपका 100% इसी में रहेगा, बताया था वहां पे। फिर देखो मैंने बोला था कि इस कंपाउंड में, देखो इस कंपाउंड में आपको मैंने बोला था इनॉल कंटेंट बहुत हाई होता है, रीजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो ट्रैप कर सकते हो यहाँ से, जैसे हाइड्रोजन ट्रैप करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फेनॉल आ जाएगा, इसमें आपका 99.9% रहेगा किधर, इधर अब बहुत स्मॉल रहेगा आपका बैक, एक्सेप्शनली यहाँ पे बहुत ज्यादा था। फिर देखो आप यहाँ पे फिर देखना, ब्रिजेट पोजीशन ऑलरेडी बता चुके थे आपको, नहीं देना फिनॉल कंटेंट। फिर देखो आप खुद से देखो कि ये कंपाउंड्स आपके पास एक्टिव मेथालिन ग्रुप मैंने बताया था, आप देखो यहाँ पे कि आपके पास ये हाइड्रोजन है और आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये वन लोग ये टू हो गया, एसिडिक ऑर्डर आप तो कंपेयर कर पाएंगे, आप H2 का ज्यादा होगा कंपेयर टू H1 होगा, क्योंकि देखो खुद से कि अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाएंगे तो कितना कीटो ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाएंगे तो कितना कीटो ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, वन। तो आपने इसको क्या बोला था, एक्टिव मेथालिन ग्रुप बोला था,
आपने क्या क्या था यहाँ पे रेजोनेंस दिखाया था। देखो अगर मैं बोलूंगा आपको कि एक कार्बोकेटन ये है आपका और एक कार्बोकेटन ये कार्बन है ना आपका, ये कार्बोकेटन नहीं कार्बन है नहीं है आपका। अगर मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी का बात करेंगे दोनों में तो वन ग्रेटर देन टू, इसलिए जब रेजोनेंस जब मैंने क्या दिखाया था यहाँ पर ये आपका फिनॉल दिखाया था तो मैंने ये हाइड्रोजन को ट्रैप किया था। रीजन क्या था, रिजल्टिंग कंजुगेट बेस हैविंग मोर स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? अगर मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड देंगे, ये कंपाउंड है और मैंने इथॉक्साइड दे दिया, स्ट्रॉन्गर बेस दिया मैंने वन इक्वालेंट, इथॉक्साइड देंगे या इथॉक्साइड ही लोगे, इथॉक्साइड मैंने स्ट्रॉन्गर बेस दिया आपका वन इक्वालेंट, एक्सेस तो नहीं लिया मैंने, कितना लिया? तो किसी एक ही हाइड्रोजन को ट्रैप कर पाएगा वो, कौन सा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा जो तो मोर एसिडिक होगा, बताइए मोर एसिडिक कौन होगा आपका, बस इसी को लेगा ये। इस पे जैसे मोर एसिडिक होगा तो देखो आपका क्या हो जाएगा, इस पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव। अब निगेटिव होगा तो इसका रेजोनेंस तो आप लिख सकते हो ये हो सकता है इसका रेजोनेंस और भी लिख सकते हो आप। देखो यहाँ पे कितना सी एस लिखा आपने, थ्री, एक भी तो रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा इसमें। रेजोनेंस हाइब्रिड जाएंगे तो क्या होगा, देखो हो गई है। इस कंपाउंड में क्या रिस्पॉन्सिबल था आपका, रूल ऑफ कंजुगेशन लिए थे दोनों पाई बॉन्ड को मैंने कंजुगेट पोजीशन पे लाया था, और क्या रीजन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिसके चलते इनॉल कंटेंट क्या था आपका मोर देन 50%। याद करो क्या बोले थे इसको, बीटा डाइकेटोन, या इसी को क्या बोलते हैं वन थ्री डाइकेटोन्स, या तो बीटा डाइकेटोन बोलोगे या क्या बोलोगे वन थ्री डाइकेटोन्स, क्योंकि नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे, नेमिंग जब करोगे तो आप नेमिंग करेंगे तो फिर तो वन टू जाना पड़ेगा, लेकिन एक को वन पकड़ेंगे तो एक फिर थ्री पे, तो इसको क्या बोलेंगे वन थ्री डाइकेटोन। तो वन थ्री डाइकेटोन का मतलब होता है बीटा डाइकेटोन, अब वन टू डाइकेटोन का मतलब होता है अल्फा डाइकेटोन। मैंने बोला तो ओपन चेन में अल्फा डाइकेटोन नाम का इनॉल कंटेंट नहीं होता क्योंकि वहां पे रोटेशन अलाउड है, जिसके चलते दोनों कहाँ चला जाएगा एंटी पे। अब मैंने साइक्लिक में बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इनॉल कंटेंट होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बोले थे यहाँ पे डायपोल डायपोल रिपल्सिव इंट्रैक्शन क्या स्ट्रॉन्गर है, एक को आप क्या करेंगे इनॉल में बताएंगे तो फिर कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताए थे ये समझ में आपका, इनॉल कंटेंट क्यों ज्यादा होगा। अब बताइए कीटो ग्रुप एस्टर ग्रुप में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप में इनॉल कंटेंट क्या था, ज्यादा था, एस्टर ग्रुप में इनॉल कंटेंट क्या था, लेस था, ये इनॉल कंटेंट में बताए थे आपको, कुछ आइडिया लगा आप इनॉल कंटेंट का। अब देखो लिखो देखना, ऑर्गेनिक मैकेनिक्स जो जाते हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन जब जाते हैं, रिएक्शन जब जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो एक होता सबस्ट्रेट, एक होता आपका सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, जैसे एल्कीन पे रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन क्या होगा सबस्ट्रेट, एक होगा आपका रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अब ये दोनों को कंबाइन कराओगे तो मे बी आपका प्रोडक्ट होगा या तो इंटरमीडिएट आएगा। अगर मान लो रिएक्शन दो स्टेप में होगा तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पहले इंटरमीडिएट और फिर इंटरमीडिएट क्या बनाएगा प्रोडक्ट मे बी आपका। तो आगे रिएक्शन मान लो कि इंटरमी आपने दो स्टेप में दिखाया था, क्या दिखाएंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट फिर क्या देगा आपका प्रोडक्ट, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स। अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको एलिमेंट्री। आप जब रिएजेंट जाते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स
विल अटैक द सबस्ट्रेट विद द हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन सीकर, तो वो सबस्ट्रेट पे जैसे अटैक करने जाएगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा उसी पार्ट पे जाके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस क्लबिंग होता, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा वहां पे कौन अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बेसिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल दोनों डिफरेंट होता है, बेसिसिटी होता है और टेंडेंसी यू हैव एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, आप कितना प्रोटॉन का टेंडेंसी रखते हो एक्सेप्टेंसी का, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफरेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड, तो वो था टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, तो दोनों एक ही चीज एक ही डिफरेंट है, डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जितना भी आप लुईस एसिड बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या डोनर होगा। हाँ जितना भी लुईस बेस बोलते हैं वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या एक्सेप्टर, डोनर। तो न्यूक्लियोफाइल तो निगेटिव चार्ज तो होता है, ये लोन पेयर तो होता ही, आपने कोई भी देखे आपने कि पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं। देखो आप एग्जांपल ले लीजिए, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो कि NO2+ लेते हैं, नाइट्रेशन करते थे, NO2+ लेते हम लोग, क्लोरीनेशन करते थे, Cl+ आता आपका, S+ होता है कहीं कहीं पे, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो कि आप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट लेंगे PCl5 बैकेंड, नहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जैसे BCl3 लेते हैं आप लोग, BBr3 लेते हैं, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। BF3 अगर लेंगे आप, अब B2S6 भी तो होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होता है, डायबोरन जिसको बोरेन बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल होता है ये। आपने देखा हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे कौन आता है, BH3 आता है, तो BH3 एज इलेक्ट्रोफाइल आता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, याद रखेंगे। तो जितना भी आपने लुईस एसिड बोला था, लुईस एसिड क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में किसको रखेंगे, जहां भी देखेंगे लुईस एसिड तो उसको क्या बोल देंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। फिर देखो आप PCl5 सब, तो क्या PCl5 था, PCl3 था, इसके पास क्या होता था, बैकेंडी और वाइटल्स होता था, तो क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, याद रखेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास AlCl3 होगा, आप देखेंगे FeCl3 होगा, ये सब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपने देखा होगा फ्रेडल का प्रेडिक्शन करवाते हैं हम लोग, तो अल्काइल क्लोराइड पे क्या होता है, देखो अल्काइल क्लोराइड पे देखना, अल्काइल क्लोराइड जब जाते हैं हम लोग CH3, अल्काइल क्लोराइड को आप जब दिखाते हो देखना यहाँ पे RCl होता है, ये क्या होता है, लोन पेयर होता है, और AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, लोन पेयर के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो आप पे कौन सा चार्ज आता है बताइएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या होता है पॉजिटिव, तभी तो ब्रेक करके क्या जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? तो AlCl3 किसके तरह वर्क कर रही है। फिर देखो पॉजिटिव पोलराइज सेंट्रल एटम होगा वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब बेंजीन रिंग ले तो बेंजीन रिंग पे जब आप क्या करते हो CCH2, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल माइनस, ये डेल माइनस, ये क्या होगा, डेल प्लस। अब बताओ अटैक करवाते हो कि नहीं, तो CO2 के इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, कॉलविस में रिएक्शन आप पढ़ते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो CO2 को क्या बनते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, तो CO2 क्या होता है वहाँ, इलेक्ट्रोफाइल कर लेंगे। सल्फोनेशन करवाते हैं हम लोग किस पे, बेंजीन पे, क्या बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, वहां पे SO3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, याद रखेंगे। तो रिएक्शन जैसे जैसे पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है। ये आप खुद से सोचो कि SO3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों की तरफ वर्क कर सकता है ये, एक ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करने जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और सल्फर के थ्रू अगर बॉन्डिंग करने जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है इसका, सल्फर। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल किधर से है, वो सल्फर के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, सल्फर के थ्रू। अगर SO3 को लुईस एसिड बोलेंगे, लुईस बेस, SO3 में भी लुईस एसिड में भी लुईस बेस, अगर सल्फर के थ्रू कहीं पे इंटरेक्ट करेगा तो लुईस एसिड, अगर ऑक्सीजन के थ्रू इंटरेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, लुईस बेस, कह लेंगे।
CO2 क्या बोलेंगे आप? तो पकड़ लेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या था, निक्लोफाइल में जाएंगे तो देखो निक्लोफाइल में कौन हो जाएगा, अगर आपके पास कार्बन आयन होगा, अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, अगर आपके पास अल्काइल लिथियम होगा, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल। एच माइनस अगर होगा, सी एल माइनस अगर होगा, साइनाइड आप लेते हैं तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल, निक्लोफाइल। अगर मान लो अल्कोहल लेते हैं आप, वाटर लेते हैं आप, NH3 अमोनिया लेते हैं, ये NH3 लेते हैं आप, अमोनिया लेते हैं हम लोग, मेथैलेमीन लेते हैं हम लोग, फिर आप इथाइलेमीन लोगे, फिर ईथर लोगे, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल होगा। सब पे लॉन पेयर है ना, अल्कोहल ईथर वाटर अमोनिया, ये सब क्या होता है, निक्लोफाइल। अगर लोग इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा, दैट पार्ट आई विल डिस्कस इन द एसएन 1 एसएन 2 लास्ट, एलोलकेन सेलोरिस में पढ़ाएंगे। अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आरएमजीएक्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। देखो जैसे आप क्या करते देखना है यहाँ पे, जैसे आप लेते हो एल्डिहाइड कीटोन और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो आप देखे होंगे यहाँ पे ये क्या होता है डेल माइनस, ये क्या होता है डेल प्लस, ये क्या होता है डेल माइनस होता है, ये क्या होता है डेल प्लस। अब बताओ ये इथाइल किसके तरह आ रहा है, ये इथाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल। अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पे, एज ए निक्लोफाइल आ रहा है क्या, एज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब देखो खुद से सबस्ट्रेट में ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट है, ये क्या आपका लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप निक्लोफाइल है तो आप कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, देखो अटैक कर रहा है कि नहीं। या एक काम करो साइनाइड ही लेते हैं हम लोग, साइनाइड देखो यहाँ पे साइनाइड लेते हैं हम लोग, साइनाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल। अगर मैं बोलूंगा कीटोन पे साइनाइड का रिएक्शन करवाओगे तो साइनाइड कहाँ पे जाके बॉन्ड करेगा, कार्बन के थ्रू या ऑक्सीजन के थ्रू, कार्बन पे जाके बॉन्ड बनाएगा, रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साइट कौन था आपका, कार्बन, ऑक्सीजन पे कौन सा था, निगेटिव, कार्बन पे कौन था, पॉजिटिव, कहाँ पे निक्लोफाइल अप्रोच करेगा, कार्बन पे। तो कार्बन पे अप्रोच करने के बाद आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा साइनाइड। फिर देखो आप देखना है यहाँ पे CH3, CH और लिए थे CH2 प्लस ई माइनस ई का इफेक्ट आपको बताए थे। अब बताइए यहाँ पे सबस्ट्रेट था कौन, प्रोपीन, रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे, एच प्लस, एच प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। एच प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, एच प्लस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि एच प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप खुद से बताइए एच प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। तो आपने क्या किया था, पोलराइजेशन लाया था, यहाँ पे डेल प्लस था, डेल माइनस था, इधर क्या था आपका डेल प्लस था, याद करो, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इस कार्बन पे। तो बताओ निक्लोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा, उसी कार्बन को। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या दिखाएंगे, टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट या फ्रॉम अटैकिंग एजेंट, टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट कौन सा इफेक्ट आता है, प्लस सी, और निक्लोफाइल आएगा तो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द अटैकिंग एजेंट तो क्या होगा, माइनस सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, क्योंकि अटैकिंग एजेंट जब आएगा तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कौन सा कार्बन के थ्रू आपको बॉन्ड बनाना है, किसके थ्रू आपको बॉन्ड नहीं बनाना, कर लेंगे। अगर आपके सब्सट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पोलराइजेशन अगर पता चल गया, टाइप्स ऑफ रिएजेंट अगर पता चलेगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिएजेंट है सब्सट्रेट ही देखे तो आपका रिएक्शन करवाते था, पकड़ लोगे कहाँ पे अटैक करेगा, कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इस कार्बन पे ज्यादा लिए थे, तो पर कंजुगेशन का रूल लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ये डोनेटिंग होगा तो इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कंसनट्रेट करेगा, तो वहां पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कर लेंगे। तो ये था आपका अटैकिंग एजेंट, मैंने बता दिया क्या क्या होता है यहाँ पे। तो CH3 यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगी, ये क्या होगा CH3, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड को दोनों पाई इलेक्ट्रॉन फ्लोर के किसके थ्रू बॉन्ड बना लिया आपने, हाइड्रोजन के थ्रू, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कर लेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल, कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लिखो। लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पढ़िए
जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं पढ़ाएंगे, जब एमिन्स पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे बेसिक एसिड नहीं पढ़ाएंगे, जो भी काम करना है यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो भी यहीं पे बता देंगे। ठीक, चलिए एसिटिक एसिड तब कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही चले जाएंगे, फेनॉल पे भी कंपेयर कर देते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फेनॉल पे ही चले जाएंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसमें देखना क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको दोनों टॉपिक से मिलेगा, एसिडिक से भी बेसिक से भी, फिक्स है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे वाटर में देते हैं ना, तो ये कार्बोक्सिलेट में चला जाता है। मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ये पार्शियल आयनाइजेशन होता है, याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग कभी पढ़े थे, भूल गए होंगे, कभी पढ़े थे हम लोग, उसमें बोले थे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है, बताए थे कभी, याद होगा। और के भी कभी कभी डिस्कस किए थे, तो के यहाँ पे के होगा, तो के जो होगा के इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, और क्या होता है ये H3O+, और आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर ज्यादा एच प्लस अगर रिलीज करोगे, मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोनियम आयन आपका ट्राइहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता, H9O4+ बोला था, बताए थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि एच प्लस आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा प्रोटोनेट कर देता है, किसको वाटर को, तो किसका आता वो H3O+। अब यहाँ पे वाटर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होता है आपका एक्सेस। आप देखो के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, उतना जितना ज्यादा एस प्लस होगा उतना ज्यादा किसका होगा, के का, जितना के उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बताए थे। पीके क्या होता है, निगेटिव लॉग इतना लिए थे, तो मैंने बोला था पीके जितना कम उतना बेटर एसिड, और के जितना ज्यादा उतना बेटर एसिड, मैंने दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल लिया था। अब यहाँ पे देखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करेंगे इस पर लिखो, जैसे के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो पी के का वैल्यू क्या होगा, कार्बोक्सिलेट में रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसको जाता है, कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक में रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, रीजन क्या था, याद आई है, तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसलिए तो प्रोटॉन लॉस करता वो, अगर बैकवर्ड फेवर होता तो प्रोटॉन लॉस भी नहीं करता। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा, किसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस बनाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा इक्विलिब्रियम क्या होगा, उतना ज्यादा फेवर करेगा फॉरवर्ड, बताए थे आपको। आपको स्टेबिलिटी बता दिए थे, याद करो कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलेट में मैंने बताया था रेजोनेंस एनर्जी टू ग्रेटर देन वन, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताया था टू ग्रेटर देन वन, याद करो क्या बोला था, इक्विवेलेंट सी एस। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, कंजुगेट बेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करो, चाहे फेनॉल का फाइंड करो या कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइंड करो, हमेशा एक्सेप्टर क्या करता है इंक्रीज करता है, डोनर क्या करता है डिक्रीज करता है,
बेटा पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, कंजुगेट बेस पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हमेशा फेवर करता है किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को, दिमाग में हमेशा सेट कर लो। रेजोनेंस को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, एरोमेटिसिटी को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अगर मान लो कि कार्बन एन आप बनाओगे या कंजुगेट बेस बनाओगे, दैट बेस हैविंग द मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली हैव टू फेवर द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। अगर मान लो कहीं पे आपने किसी भी सब्सट्रेट से आपने कार्बन एन बनाया, कंजुगेट बेस का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, अगर दैट निगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस हैविंग द रेजोनेंस स्टेबिलिटी में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, तो एक्सेप्शनली क्या होगा, मोर एसिडिक नहीं होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ा याद रखना है एक्सेप्टर डोनर का, कहीं भी लगो चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो इनऑर्गेनिक पढ़ो, इसी रिक्वेस्ट हमेशा किस पे करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कंजुगेट बेस पे, जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और कंजुगेट बेस पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव, निगेटिव का जितना ज्यादा स्टेबलाइज करोगे, निगेटिव को जितना ज्यादा डिस्पर्स करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी हाई होगा। कर लेंगे, अब देखिए अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड्स है और आपके पास एसिटिक एसिड्स है, और आपके पास देखना है यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड्स है, अगर मैं एसिडिक ऑर्डर का बात करूंगा तो सबसे ज्यादा होगा वन का, उसका टू, उसका क्या हो जाएगा थ्री। इसके बेसिस पे क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखो खुद से, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ही नहीं, हाइड्रोजन ही है वो तो पुअर होता है कंपेयर टू मेथाइल मिथाइल होता है आपका। एसिडिक ऑर्डर जाएंगे तो पीके वैल्यू किसका ज्यादा होगा, पीके वैल्यू 3 2 1। जितना भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसमें सबसे एसिडिक होता है फॉर्मिक, क्या होता बता दो, फॉर्मिक। आप एक से याद रखना ना, देखो मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये लिए कार्बोक्सिलिक, ये होता है फिनॉल, में एक रफ आइडिया दे रहा हूं आप पकड़ लोगे, ये होता है अल्कोहल, देखो पीके का वैल्यू बोल रहा हूं मैं, इसका वैल्यू होता है आपका 4 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 के करीब वैरी करता है, 4 से नीचे भी आता है लेकिन 4 5 5 से कभी एक्सीड नहीं करता, और इसमें जाएंगे तो इसका 10 के करीब आता है, 9.9 कहीं पर लिखा रहता है, 10 के करीब लेते हैं किसका, फेनॉल का, इसमें जाएंगे तो 15 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब बताओ मोर एसिडिक कौन मिला, उसके बाद आई बात समझ में, एक रफ आइडिया दिया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल में, आप खुद से बताइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक लो या एरोमेटिक लो, पीके के वैल्यू 4 5 के, 4 3 4 5 के बीच में ही रहता है, आप फेनॉल का पीके वैल्यू आप बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोफाइट को ले लेंगे तो आप 8 7 के करीब आएंगे, लेकिन 10 से नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि 4 5 के क्लोज चले जाएंगे, नहीं, पिक्रिक एक्सेप्शन है, पिक्रिक को हटा दो, पिक्रिक में क्या होता है, सपोर्ट होता है 3 नाइट्रो का, इसलिए सीधा पीके को ड्रॉप कर देता है less than 1, वो एक्सेप्शन है, नहीं तो और एक्सेप्शन जितना भी लेंगे वो आपका 7 8 के क्लोज ही रहेगा, मतलब कि आपको ज्यादा एसिडिक एसिड किस में मिलने वाला, कार्बोक्सिलिक में। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लेंगे तो पीके वैल्यू माइनस में चला जाता है, मतलब मोर एसिडिक, सही बात समझ में, सल्फो ग्रुप क्या होता है, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, कहाँ बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम में बताया था कि अल्काइल सल्फोनिक एसिड सब क्या होता है, मेथाइल सल्फोनिक एसिड सब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। कर लेंगे, अब देखो हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, एसिड पे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए CH3COH, CH2CHCOH, CH3COH, आप एसिडिक ऑर्डर दिखाओ, ऑब्वियसली 3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू 2, 2 का ज्यादा होगा कंपेयर टू किससे, 1 से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp2, कंपेयर टू sp3, आपने देखा यहाँ पे कौन सा कार्बन नहीं है आपका, जस्ट उसे कार्बन sp है, इस पे कौन आपका sp2, इस पे कौन sp3, ये तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा कंजुगेट बेस का ज्यादा होगा। कर
लेंगे। ये क्या था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे? और भी बता रहे, देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप लिए CH2COH, फिर देखो क्लोरीन लिए CH2COH, अगर आपने देखना है यहाँ पे कि NH3+ लिया आपने, NH3 नहीं साइनाइड ले लो, साइनाइड। COH अगर फ्लोरीन लिए CH2COH, मेरे को सिरिक ऑर्डर फाइंड करना है इसमें। देखो CH3COH लिए, देखो नाइट्रोसिटिक एसिड, क्लोरो, साइनो, फ्लोरो और एसिटिक एसिड्स। इसमें अगर एसिडिक ऑर्डर मान लो कि मैंने 6 में रख लिया, किसको देखो 6 में रखा है मैंने फॉर्मिक को, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोफिल ड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद होगा 2, नहीं 3, 3 के बाद हो जाएगा आपका 4, 4 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 5। एसिटिक एसिड वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, बट एसिटिक एसिड में अगर मेथाइल ग्रुप पे अगर कोई भी इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप दे देंगे तो फॉर्मिक से वो एक्सीड कर जाएगा। याद रखोगे, मतलब एसिटिक एसिड फॉर्मिक से वीकर होता है, बट एसिटिक एसिड कंटेनिंग द एनी ग्रुप विद द माइनस आई फैक्ट विल बी मोर एसिडिक देन फॉर्मिक। याद रखोगे, देखो इसको ऐसे लिख लो, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बहुत हाई होता है, मोर एसिडिक होता है, क्यों? यू आर गेटिंग द हेल्प ऑफ द 3 फ्लोरीन माइनस आई फैक्टर स्ट्रॉन्गर, दैट विल मेक द कंजुगेट बेस मोर स्टेबल। और उसका ट्राइक्लोरो लेंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा होता है आपका, उसका देखो एक नाइट्रो, 2 क्लोरीन लेंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा होता है, किससे? नाइट्रो से। मतलब ये CHCl2 अगर लिए तो उसका भी ज्यादा होता है, किससे? नाइट्रो से। अगर एक नाइट्रो लेंगे तो उसका देखो, ये CH2 लिया मैंने COH, फिर देखो ये Cl लिया मैंने CH2COH, फिर देखो ये क्या लिया मैंने फॉर्मिक, फिर क्या लिया मैंने एसिटिक। यहीं पे मेनली कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप ले लेंगे तो फॉर्मिक से मोर कौन होगा? एसिडिक। आप विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक इज इन मोर लेस एसिडिक देन फॉर्मिक। ये पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जाके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लिखा वहां पे। यहाँ पढ़ लो, वहां पे जब पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड रीडिंग दिलवा देंगे, वहां पे दिखा देंगे क्या क्या लिखा है, अभी पढ़ लो यहाँ पे। तो आपने देखा ट्राइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक। अब देखेंगे इसका पीके का वैल्यू, इसका पीके का वैल्यू जो जाएंगे, इसका पीके वैल्यू तो 0.23 के करीब चला जाता है, देखो कितना स्मॉल हो गया। इसका पीके का वैल्यू जाएंगे तो इसका पीके का वैल्यू होता है 4.4, इसका पीके का वैल्यू जाओगे तो इसका पीके का वैल्यू होता है 3.87 के करीब। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है वहां पे, देखो कहाँ पे क्लोरो फ्लोरो लिए तो ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसका वैल्यू चले जाओगे तो इसका वैल्यू आता है 1.3 उसके करीब आ जाता है पीके, देखो कम हो गया कि नहीं आपका? नहीं 1.3, नहीं, रॉन्ग लिख दिया, 2.2 या समथिंग आता है, 2.3 या 2.4 ऐसे ही कुछ आता है, 6 लिखता हूँ मैं। मतलब 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन देने से देख रहे हो कितना ड्रॉप कर गया, लेस देन 1। अगर पीके का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। आप पीके वैल्यू अगर 1 और 5 के बीच में होगा तो मॉडरेटली स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग नहीं है आप। 5 से 10 हो गए तो आप वीक एसिड्स है, और 10 से ऊपर जाएंगे तो और भी वीक हो गए। कर लेंगे, आपने देखा किसका ज्यादा, ट्राइफ्लोरो को। एसिडिक ऑर्डर में फाइंड करूंगा, कार्बोक्सिलिक देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ये तो माइनस आई देगा,
एल्कॉक्सी है, एल्कॉक्सी क्या देखा था, माइनस आई। आप देखो ये माइनस आई इफेक्ट जितना क्लोज रखेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा किए तो माइनस आई इफेक्ट इसका क्या होगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि आपने 3-4 कार्बन पे जाके क्या किया था, उसको इनसिग्निफिकेंट कर दिया था। आप बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से, उसके जस्ट सेकेंड कार्बन पे कौन, सेकेंड पोजिशन पे कौन है, ऑक्सीजन। ये फर्स्ट लिए, टू लिए, थर्ड पे, ये देखो फर्स्ट लिए, टू लिए, थ्री लिए, फोर, देखो ये 2, 3, 4 पे आ रहा है। ये तो ज्यादा डिस्टेंस किस पे, एल्कॉक्सी ग्रुप इसमें, और स्मॉलर किस में आपका, वन में। एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा बता दो, 2018 नीट का देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन था, कर लेंगे फिर देखो आपका ये। यहाँ पे फ्लोरीन लिया आपने, क्लोरीन लिया आपने, फ्लोरीन लिया, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा। देखो क्लोरीन है यहाँ पे, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर होगा वो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो देखो इसमें क्लोरीन क्या, मोर क्लोजर, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन किया, माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, वीक होते चला जाएगा आपका, सबसे ज्यादा एसिडिक किस्म होगा। उसके बाद तो उसके बाद उसका क्या करेंगे, फोर। तो कुछ बेसिक आइडिया हुआ आपका कि ट्राइफ्लोरो कहाँ से कहाँ पे किसका एसिडिक किस्म ज्यादा था। नॉर्मल जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता, मोर एसिडिक देन किससे होगा, फेनॉल से। कर लिए। हाँ भाई ये देखो फॉर्मिक एसिड्स होता है ये, और ये लिए मैंने एसिटिक एसिड्स, और फिर लिया था लिए बेंजोइक एसिड्स, इसमें एसिडिक ऑर्डर देखना। देखो पीके का वैल्यू जो होता है ये 2 पॉइंट, मैंने कितना लिया था, 3.87 के करीब लिया था, इसमें की पीके वैल्यू 4.4 के करीब होता है, इसमें पीके वैल्यू 4.2 होता है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, विदाउट एनी ग्रुप विद द माइनस आई या प्लस आर, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, एलिफैटिक, लेस एसिडिक देन एरोमेटिक एक्सेप्ट फॉर्मिक, एलिफैटिक, लेस एसिडिक देन एरोमेटिक बेंजोइक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक, फॉर्मिक मोर एसिडिक देन बेंजोइक, याद रखोगे, क्योंकि देखो आप जब दिखाएंगे आप देखना यहाँ पे क्या होगा, आप ये पाए बॉन्ड है तो आप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनर है कि एक्सेप्टर है, देखिए तो डोनर, आप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, रिंग तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनर ही एक्सेप्टर होगा, डोनर एसिडिकेशन क्या करेगा, आई बात समझ में। तो बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड या मोर, लेस कर लेंगे। एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट विथ क्या, माइनस आई इफेक्ट विल बी लेस एसिडिक देन किससे, बेंजोइक, क्योंकि खुद देखो ना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने एलिफैटिक में कितना लिखा, 4.4, 4.7 है, इसमें क्या देखा आपने, 4.24, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एरोमेटिक। हाँ अगर सब्स्टिट्यूएंट दे दिए, मान लो कि एसिटिक एसिड में नाइट्रो दे दिया, ट्राइफ्लोरो दे दिया, ट्राइमेथाइल दे दिया, तो फिर तो बेंजोइक का से भी ज्यादा एसिडिक हो गया कि नहीं, कर लेंगे। तो ये सब थोड़ा याद रखने का, आप किसमें एक्सीड कर जाता है, नॉर्मल देखो क्वेश्चन पूछेगा तो अगर एरोमेटिक लेगा तो सबका सब एक बेंजोइक पे वर्क करेगा, अगर एलिफैटिक लेगा तो सबका सब एलिफैटिक पे ही क्वेश्चन करवाएगा, एलिफैटिक एरोमेटिक को बहुत रेयर कंडीशन होगा जो मिक्स करेगा, अगर मिक्स की करेगा तो विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट एलिफैटिक लेस एसिडिक देन एरोमेटिक, अगर
रेयर, मैंने क्या बोला, रेयर कंडीशन होगा जो मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। या तो बेंजोइक लेगा तो सब बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव ही होगा, अगर एलिफैटिक लेगा तो देखना सबका सब एलिफैटिक का ही होगा। कर लेंगे। अब ये देखो, ये देखो, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप दे दिया मैंने, नाइट्रो किया तो विड्रॉइंग या डोनेटिंग। अब फिर देखो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लेके मेथॉक्सी दे दिए, अब आइडेंटिफाई करो मेथॉक्सी क्या होता है, डोनेटिंग होता। ये सीओएच मैंने क्लोरीन ले लिया, अब फिर यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लिया। एसिडिक ऑर्डर में बताऊंगा, सबसे पहले किसका होगा, उसका किसका हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, सबसे कम किसका हो जाएगा 2, क्योंकि पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है आपको। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कौन सा वाली विड्रॉइंग किसके चलते आ रहा है, माइनस आई डोमिनेंट आवर प्लस आर, इसमें क्या था, माइनस आई माइनस आर, तो पावरफुल हो गए ना। तो किसका कंजुगेट भी सबसे स्टेबल होगा, 1 2 3 में, 1 का, इसलिए देखो मैंने 1 का एसिडिकेशन ज्यादा लिए। पीके का वैल्यू कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा किसका होगा 2 का, उसका किसका होगा 4, उसके बाद क्या होगा 3, सबसे कम किसका होगा 1, 1 एज द लो पीके वैल्यू। बोलेगा विच वन एज द हाइएस्ट पीके वैल्यू, विच वन एज द लोएस्ट पीके वैल्यू, हाइएस्ट का मतलब क्या होता है लेस एसिडिक, लोएस्ट का मतलब क्या होता है मोर एसिडिक, ये सब याद रखना। कर ली कॉपी, देखो देखो इधर एक बार बताते हैं, बताइए एसिडिक ऑर्डर। ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होता है यहाँ पे, ऑर्थो इफेक्ट जो है ना स्टेरिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ये 2 2 3 1, 2 इज मोर एसिडिक देन 3, आई मोर एसिडिक देन 1। 1 में मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे, तो एसिडिकेशन तो आपका क्या होगा लेस होगा। एक आपका ऑर्थोटॉल्विक एसिड, एक आपका पैराटॉल्विक एसिड, ऑर्थोटॉल्विक एसिड क्या होता है मोर एसिडिक होता है, रीजन क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट कंपेयर टू पारा और मेटा। ऑर्थोटॉल्विक एसिड होगा तो एक पैराटॉल्विक एसिड, तो कौन मोर एसिडिक होगा बता दो, ऑर्थोटॉल्विक एसिड, रीजन क्या होगा ऑर्थो इफेक्ट। देखो हमेशा क्या होता है ये देखना है, ये बल्की ग्रुप होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप रखोगे आप, अब यहाँ पे अगर कोई ग्रुप रखेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। अब क्या करेंगे, अगर प्रोटॉन लॉस कर देंगे, प्रोटॉन लॉस करने के बाद आपका साइज क्या होगा डिक्रीज हो गया, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का वैल्यू क्या होगा लेस हो जाएगा, थिन कर दिए, देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस कर दिए। बिफोर द लॉस ऑफ प्रोटॉन यू हैव द मोर एसिडिक, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन स्टेरिक हिंड्रेंस गेट रिड्यूस, आप प्रोटॉन लॉस करना चाहोगे कि नहीं, कोई फैक्टर है ना जो आपको पुल पुश कर रहा है, बोला कि जल्दी से प्रोटॉन लॉस करो,
इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, स्टेरिक फैक्टर है ये। ऑर्थो इफेक्ट जो भी होता है वो स्टेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, लेकिन स्टेरिक फैक्टर है यहाँ पे, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा। जनरली क्या होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में जैसे दे देते हैं तो वहां पे हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली आपका हाई होने वाला है, रीजन होता है ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड इरिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो भी ग्रुप दो, इरिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। कर लेंगे अब ऑर्थो पे फिर क्या करेंगे, नाइट्रो भी दे देंगे, मेथाइल भी दे देंगे, फिर नाइट्रो तो विदड्रॉइंग भी है और ऑर्थो इफेक्ट भी होगा, ऑर्थो नाइट्रो तो और भी ज्यादा एसिडिक होगा आपका। कर लेंगे अब ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कर कुछ करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रो तो ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा वहां पे ऑर्थो इफेक्ट, रेजोनेंस तो दोनों से होगा, नाइट्रो पारा पे रखो या कहाँ पे रखो, ऑर्थो पे, रेजोनेंस तो दोनों पे होगा, ऑर्थो पे रखेंगे तो माइनस इफेक्ट क्या होगा स्ट्रांग होगा, आप पारा पे माइनस क्या होगा वीक होगा, तो माइनस आई में डिफरेंस आ गया तो देखो ऑर्थो ज्यादा विनर हो गया, ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा ऑर्थो इफेक्ट भी आएगा, इसलिए ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड मोर एसिड देन पारा नाइट्रो। कर लेंगे तो लिखो ये एक लिया मैंने बैकवर्ड किया यहाँ पे, देखो एक लो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या बेंजोइक एसिड का, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का ज्यादा होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। कर लेंगे एक्स में भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट इट मस्ट बी क्या होना चाहिए बल्की ग्रुप, अगर बल्की हाइड्रोजन रखोगे तो क्या होगा ऑर्थो इफेक्ट होगा ही नहीं वहां पे, एक बल्की ग्रुप रखेंगे तो क्या होगा ऑर्थो इफेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा होगा वहां पे, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन तो एन से क्या होगा आपका, देखो अगर प्रोटोन देखो प्रोटोन लॉस करके अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो आपका एसिडिक एसिड ज्यादा करेगा वो, अगर एमीन्स में क्या होता है प्रोटोन एक्सेप्ट करते हो, प्रोटोन एक्सेप्ट करने पर आपका साइज क्या होगा इंक्रीज होगा, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस और भी इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे देखना कि ऑर्थो इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को सप्रेस कर देगा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा प्रमोट कर देगा, आई बात समझ में, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लेस एसिडिक या मोर एसिडिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मोर एसिडिक देन बन जाएगा। कर लेंगे देखते हैं मिथाइल फिथाइल जो भी होगा, लिखो मिथाइल होगा यहाँ पे, मेथॉक्सी होगा यहाँ पे, ये सब बल्की ग्रुप ही है आपका, नाइट्रो ग्रुप है ये सब बल्की ग्रुप है ही, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया और तो इफेक्ट आपका। अब देखो देखो अब इस पर ही है, आपके पास बेंजोइक एसिड्स है ये पारा नाइट्रो, आप खुद से करो मेटा नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, बेंजोइक, बताइए सबसे ज्यादा कौन होगा, थ्री, उसके बाद फोर, फोर में तो कोई इफेक्ट ही नहीं, लेकिन टू में देखो ना ये तो देगा माइनस आई तो देगा, कि रेजोनेंस पोजीशन तो है नहीं, तो माइनस आई इफेक्ट तो ऑपरेट करेगा, तो माइनस इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। कर लेंगे
बताइए श्री कॉटन। ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे होगा? 1 2 3 में, 4 में भी ऑर्थो इफेक्ट है, 5 में कोई ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं होगा, सबसे ज्यादा सिटी कौन होगा? उसके बाद क्यों? वो ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, क्लोरीन तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता, क्लोरीन तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता ना, मेथाइल तो हाइपर कंजुगेशन दिखाता, रेजोनेंस का इम्पैक्ट कहाँ सर आपका? OH से बताओ। कौन सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा होगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्यों होगा 4 और 1 का सबसे ज्यादा? ऑर्थो इफेक्ट आपका 2 और 3 में भी है। किसमें? 1 में, 2 में नहीं, 4 में नहीं होगा इंट्रावालिकुलर। देखो देखो, ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये निगेटिव है, ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके साथ। जब ये प्रोटॉन लॉस करता है ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। आप कार्बन विथ निगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कार्बन विदाउट निगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर OH ग्रुप से बोलोगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो कार्बोक्सिलेट स्ट्रॉन्गर बनाता है। रीजन क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डेल प्लस है, तो इंट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे डेल माइनस है, ये डेल प्लस है, यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे डेल माइनस दिख रहा है, कहाँ पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है? ऑक्सीजन नेगेटिव विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन ऑक्सीजन विदाउट चार्ज। आई बात समझ में? तो चार्ज ऑक्सीजन चार्ज मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दोगे तो उसका इंट्रैक्शन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली इंट्रैक्ट करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन विदाउट एनी चार्ज। तब बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एसिड में भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कंजुगेट बेस में भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ देख रहे हैं आप? कंजुगेट बेस में। दैट फेवर द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड दैट मेक द ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड मोर एसिडिक। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी है, इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? बिकॉज ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन दे रहा है बताओ? ऑक्सीजन विद चार्ज या विदाउट चार्ज? विदाउट चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द मोर एसिडिक। जबकि क्लोरो माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्लोरो होना चाहिए, लेकिन क्लोरो से विनर होता है हाइड्रोक्सी। रीजन क्या होता है? इवन पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड लोगे ना, पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड उससे भी स्ट्रॉन्गर होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। याद रखेंगे, पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कहाँ थे आप? यहाँ पे बेंजोइक एसिड पे, जैसे इसका पीके के वैल्यू जाओगे ना, इसका पीके ये वैल्यू हो जाता है 2.37 के करीब आता। देखो कहाँ थे? 4 पे, कहाँ 2.37 पे एक लेके चला है आपको, कर लेंगे। और देखो यहाँ पे ये जो आपका था, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज जब जाएंगे तो इस पे क्या होगा? देखो एक नेगेटिव आएगा, इस पे क्या होगा? डबल। एक ऑक्सीजन हो जाएगा इधर से हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा
टू, टू सिक्स डायडॉक्सी बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। देखना है इसका जो बताए थे पीके, देखो यहाँ पे पर लिख रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल जो एंटी इंजीनियरिंग में पूछा था, ये देखो ये इसका जो पीके वैल्यू लिए थे इसमें, इसका पीके का वैल्यू होता है देखो कितना, इसका तो 1.23, देखो कितना नीचे चला गया। आई बात समझ में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रहा है लेकिन कंजुगेट बेस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वेन एवर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन फ्लोरिन, तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। आपने देखा था एफ माइनस एच एफ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गर होता था कम्पेयर टू एच एफ के बीच खुद का। एच एफ में क्या होता था? इंटर मॉलिकुलर, वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्गर था किस एफ माइनस और एच एफ के बीच में, याद करोगे? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन में यूनिक एबिलिटी होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो बहुत स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ जब हाइड्रोजन बना होता है एच एफ के भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा, लिखो, अगर आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिए यहाँ पे, ओएच ले लिए यहाँ पे, ओएच ले लिए और यहाँ पे नाइट्रो लिए, नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बताइए किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? रीजन क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग कंजुगेट बेस। ऑर्थो इफेक्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, रिजल्टिंग कंजुगेट बेस। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखो नेमिंग करेंगे तो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी होगा, 2,6 क्या हो जाएगा? डायड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स, दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली हैविंग द मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कर लेंगे। अब देखो कहीं के पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को सप्रेस भी कर देगा, कर ली कॉपी? तो क्या होगा? 2,6 डायड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स याद रखोगे। और एक था आपका क्या था? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वो कौन था? सैलिसैलिक एसिड्स, ये सब याद रखना है। OH जब आता है और तो पोजीशन पे धमाल मचा के रखता है, रीजन क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए एक और बताते हैं लास्ट। अगर आपको बेंजोइक एसिड देंगे और फ्लोरीन देंगे, बेंजोइक एसिड देंगे और फिर फ्लोरीन देंगे, रुको 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 रुको, नहीं, ये देता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन दिया मैंने, यहाँ पे क्लोरीन दिया, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये माइनस आई प्लस आर दोनों दिखाता है ना। अब माइनस आई प्लस आर क्या होता है? दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, प्लस आर सबसे इफेक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन के केस में दैट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट, नई बात समझ में? इसलिए फ्लोरो डेरिवेटिव हमेशा फेनॉल का लो या बेंजोइक एसिड का लो, हमेशा फ्लोरो डेरिवेटिव, फ्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव से क्या होता है? लेस एसिडिक। ये इधर लिखो, यहाँ पे लिख दे, तो सबसे लेस कौन हो गया आपका?
इफेक्टिव 2P पाई फ्लोरीन, 2P पाई कार्बन बॉन्डिंग दैट रिड्यूसेस मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड करेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि दोनों तो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना आपका, ये तो प्लस आर क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पुश करेगा रिंग में, अब माइनस आई किधर करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो दोनों तो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। एक मान लो किधर से आप, आपका एबिलिटी है 10 न्यूटन फोर्स लगाने का, लेकिन समो आपको 2 न्यूटन का फोर्स, मान लो 3 न्यूटन का फोर्स आपका अपोजिट लग गया, तो आपका वैल्यू क्या होगा, 7। क्लोरीन के पास था 8। देखो आपका माइनस आई इफेक्ट की तरफ आप मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, क्लोरीन को देंगे तो वो 8 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे, तो माइनस आई इफेक्ट तो क्लोरीन लेस है, लेकिन आपका जो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है इसके चलते आपका माइनस, आपका कितना था 10 एबिलिटी था, उसको रिड्यूस करके मैंने कितना लेके चला है, 7, इसीलिए आपका क्या होता है लेस। कर लेंगे तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो डेरिवेटिव में सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, फ्लोरो, और सबसे कम कौन होगा, फ्लोरो, डेट टू स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव पी पाई बैक बॉन्डिंग दैट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट, याद रखेंगे। ये मैंने बताया एसिडिक एसिड किसका, बेंजोइक एसिड का, और किसका बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। नेक्स्ट से जब आएंगे तो इसको फेनॉल के साथ भी इसको इंक्लूड करेंगे, ये तो पता है आपका फेनॉल का एसिडिक एसिड, इससे क्या होगा लेस होगा, ये तो पता है, अल्कोहल क्या होगा उससे भी लेस होगा, तो नेक्स्ट उसको भी बताएंगे, फेनॉल के स्मॉल इफेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है, स्मॉल होता है, तो OH ग्रुप जब स्मॉल होता है तो ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता वहां पे, तो वो बता देंगे आपको। और फिर चला जाएंगे लो बेसिक एसिड किसका, एमीन्स का, इससे क्या होगा कि आगे आपका एसिडिक एसिड का, बेसिक एसिड का बहुत सारा जीओसी में क्वेश्चन मिलेगा कहीं कहीं पे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक, रहने दो नेक्स्ट।